কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज टारगेट ऑन प्रीलिम्स जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम भारतीय इतिहास का टॉपिक देख रहे हैं। भारतीय इतिहास या भारतीय इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के तरीके में हमने इस बार बदलाव किया है और संपूर्ण सिलेबस करवाने के लिए हमने इस बार प्रश्नों का एक माध्यम लिया है। प्रश्नों के साथ साथ आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उतना अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने अभी भारतीय इतिहास में जितने सब्जेक्ट देखे हैं, जितने टॉपिक देख लिए हैं, उन टॉपिक्स में हमने एंशिएंट इंडिया ख़त्म कर लिया और एंशिएंट इंडिया से प्राचीन भारत से बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सल्तनत मेडाइवल इंडिया की तरफ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत के पहले कैसे अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयां भी देखने को मिली जिसे हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी बैटल ऑफ तराइन भी आपको देखने को मिला। और आज की क्लास में हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के पश्चात यहां पर कौन से वंश और कौन से राजाओं का शासन चला। क्लियर है यहां तक चीजें? इन सब चीजों को हम पिछले क्लास में देखे थे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा प्रयास है कि आपको जो शनिवार के शनिवार जो लाइव क्लास है, उस लाइव क्लास के माध्यम से आपके पूछे हुए प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक, बहुत से छात्र जो हैं कमेंट सेक्शन में प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जब आप रिप्लाई करते हैं तो कोशिश की जाती है कि वहीं आपको आंसर भी दे दिया जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो आएगा वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड हमने जाना था कि यह जो गुलाम वंश है 1206 से 1210 तक रहेगा। गुलाम वंश के बाद अगला जो वंश आएगा वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश, और खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहेगा, इसे करेक्ट कर लेंगे, यह होगा 1290। ठीक, उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश होगा 1290 से 1320 तक, इसको हमको पढ़ना है। तीसरा हमें मिलेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का टाइम पीरियड हमें मिलता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक, टाइम पीरियड में जहां पर मैं बता रहा हूं मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तुगलक वंश के बाद एक छोटा सा एक वंश आएगा जिसे हम कहते हैं सैयद वंश। सैयद वंश बहुत अल्पकालीन समय के लिए, यह आएगा 1414 से 1451 तक। और इसके बाद सबसे अंतिम
वंश होगा लोदी वंश, लोदी वंश। लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक, ठीक। तो इस क्रम में हमको पढ़ना है जो दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी से वंश है। इसी क्रम में हमको प्रश्न भी देखना है और प्रश्नों के साथ साथ हमें टॉपिक भी खत्म करना है, ठीक। तो जैसे कि गुलाम वंश के शासकों में मैंने बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई वो मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को श्रेय दिया जाता है कुतुब मीनार की स्थापना या नींव रखने वाले शासक के रूप में। इसके अलावा कुतुब मीनार के अलावा इस नड़ाई दिन का झोपड़ा कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये इस प्रकार के स्मारक भी उसने बनाए, ठीक है। शुरुआती दौर में गुलाम वंश में हम जिस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं वह संस्थापक तो था परंतु वास्तविक संस्थापक नहीं था दिल्ली सल्तनत का। तो आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो अगला शासक आया था उसके बारे में पढ़ेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अगला जो शासक था वह था इल्तुतमीस। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक इल्तुतमीस 1210 से 1236। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया था, आराम शाह नाम का एक शासक आया था, ठीक है। उन छोटे मोटे शासकों को आप बिल्कुल मत देखिए, उससे प्रश्न अभी आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको इतिहास में उन्हीं लोगों को याद रखना है जिन्होंने इतिहास में आपको कुछ दिया है या कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे छोटे मोटे शासकों को अगर आप देखते चलेंगे तो इतिहास आपके लिए जटिल हो जाएगा। प्रयास यही है कि आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट बताए जाए जहां से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनने भी चाहिए, ऐसे ही राजा आपको पढ़ने, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहां पर इल्तुतमिस के टाइम में हमको जान मिलता है कि इसे एक उपाधि दी गई थी और कहा जाता था इसे गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, स्लेव्स ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, ठीक। इसके अलावा इल्तुतमिस के समय में हमें देखने मिलता है कि यल्दौज जो गजनी में बैठा हुआ शासक था वह बार बार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता था और दिल्ली के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। याद है आपको चार गुलाम, यल्दौज, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके अलावा कुबाचिया और बख्तियार खलजी। तो बख्तियार खलजी तो बंगाल की तरफ चला गया था परंतु बाकी जो तीन अन्य गुलाम थे उसमें लड़ाइयां होती रहती थी, जिस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में शासन कर, दिल्ली में रहते हुए भी शासन नहीं कर पा रहा था। और वह रहता कहां था, लाहौर में, यानी लाहौर में रहकर दिल्ली को संभालने का कार्य करता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि यल्दौज क्या करेगा, आक्रमण कभी भी कर दे। परंतु अब एक योग्य शासक आया है और योग्य शासक कौन है, इल्तुतमिस योग्य शासक, और योग्य शासक है तो वो यल्दौज की चुनौती को बिल्कुल लेगा और यल्दौज की चुनौती को स्वीकारते हुए या उससे युद्ध लड़ेगा, जिसे हम तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं। तराइन का याद रखेंगे, तराइन का तृतीय युद्ध, तीसरा बैटल, बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। यह बैटल होगा बारह सौ पंद्रह में यह लड़ाई होगी और यह लड़ाई किसके किसके बीच होगी,
इल्तुतमीस और यलदौज के बीच और यलदौज क्या होगा इसमें, हार जाएगा। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराई इल्तुतमीस और यलदौज के बीच, जिसमें यलदौज क्या होगा, हार जाएगा। याद रखेंगे एक पहली लड़ाई हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, विजेता कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, कौन जीता था बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और सेकंड बैटल ऑफ तराई, जीतने वाले का नाम और वर्ड्स को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, तो यहां पर तीसरी बैटल तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें इल्तुतमीस जीत गया और यलदौज क्या हुआ, हार गया। यलदौज के हारने के पश्चात हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमीस अब राजधानी परिवर्तित करेगा और लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाएगा, लाहौर से, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय याद रखिएगा राजधानी क्या थी, लाहौर थी। अब राजधानी परिवर्तन हो रहा है, याद रखेंगे राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन होकर कहां से कहां तक जा रहा है, लाहौर से दिल्ली राजधानी बनी। इसी कारण से हम इल्तुतमीस को वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी वास्तविक संस्थापक है ये दिल्ली का, याद रखेंगे इल्तुतमीस को। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप संस्थापक बोल दीजिए, परंतु वास्तविक संस्थापक के रूप में आप याद रखेंगे किसको, इल्तुतमीस को। जैसे गुप्त वंश में श्री गुप्त संस्थापक, बट चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। ठीक, चीजों को समझते जाइए, जितना आप चीजों को समझेंगे, मतलब आप प्रश्न कभी भी अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपका आंसर सटीक होगा। हम गलती यही करते हैं कि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, और प्रश्न पढ़ने में गलती हुई मतलब आंसर देने में गलती हुई। और आजकल एग्जामिनर यानी जो एग्जाम ले रहे हैं और जो परीक्षा के पेपर तैयार हो रहे हैं, उस परीक्षा के पेपर में आपके नए नए प्रकार के प्रश्न बनने चालू हो गए हैं, तो उसके लिए तैयार होने के लिए प्रश्न को सॉल्व करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट बेटर होना जरूरी है और आपकी समझ का विकास होना भी जरूरी है। समझ रहे चीजों, ठीक। चलिए, तो यहां पर हमने जाना इल्तुतमीस क्या है, एक वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको जानकारी मिलती है कि एक योग्य शासक की खूबियां क्या होती है, और ये योग्य शासक की खूबियां इल्तुतमीस में मिलेगी आपको, तो देख लेते हैं क्या क्या खूबियां थी। तो यहां पर इल्तुतमीस ने सबसे पहला कार्य यह किया कि अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के जितने भी अमीर लोग थे उनका एक समूह बनाया, जिसे हम कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक, जो 40 अमीरों का समूह था, 40 अमीरों का समूह था, तुर्कान ए चहलगानी। अब ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि इसको अपने राज्य की चिंता थी और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यह अपने आसपास के अमीरों के साथ एक अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अगर प्रधानमंत्री की बैठकें बराबर ना हो और निर्णय लेने में अगर उनसे सहयोग ना लिया जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने देश की, अपने क्षेत्र की इकोनॉमी को अच्छी बनाए रखने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए इल्तुतमीस ने इन 40 अमीरों का समूह बनाया। अब देखिए आप कैसे 40 अमीर जो हैं इनकी मदद करते हैं।
तो अगली घटना में आपको यह चीज देखने मिलेगी। देखिए इल्तुतमिश के समय ख्वारिज्म का शासक मांग बरनी इल्तुतमिश के पास सहायता मांगने आया। ठीक, इल्तुतमिश के पास सहायता मांगने आया था मांग बरनी। केबीसी का 320,000 का क्वेश्चन मांग बरनी, ध्यान से देखिए। होता यह है कि मंगोल जो है, मंगोल आक्रमणकारी इन्वेडर्स, ये आक्रमणकारी मांग बरनी के पीछे पड़ जाते हैं और मांग बरनी अपने देश से छोड़कर भागते हुए इल्तुतमिश के पास आता है और इल्तुतमिश के पास मदद मांगता है। अब शुरुआत में तो इल्तुतमिश बुलाया इसे, आ भाई मांग बरनी बैठ, बढ़िया खाना वाना खिला रहा है। ठीक है, खाना वाना खिला के बस मांग बरनी जाने ही वाला था सोने के लिए, वहीं एक सूचना आई गुप्तचरों के द्वारा कि मांग बरनी के पीछे मंगोल पड़े हुए हैं। शुरुआत में तो इल्तुतमिश को आइडिया नहीं था कि भाई मंगोल कौन है, क्या है। इसके तुर्काने चहलगानी के 40 सरदारों के समूह में से किसी एक ने बताया, मांग बरनी वो खूंखार जनजाति है, मंगोल जो वो खूंखार जनजाति है, अगर वो किसी देश में घुस जाए, किसी प्रदेश किसी क्षेत्र में घुस जाए तो पूरा का पूरा उसे तबाह कर देती है। ये बात बताई गई उसके ये अमीर तुर्काने चहलगानी के द्वारा। तब यहां तुरंत इल्तुतमिश को दिमाग आया कि नहीं रे भैया, इसको रखना सही नहीं है मांग बरनी को। मांग बरनी बेचारा एकदम बढ़िया सोने जा ही रहा था, तुरंत उठाया, चल भाई बोरिया बिस्तर समेट और निकल, नहीं तो अगर ये मंगोल हमारे यहां आ गए तो हमारा दिल्ली अभी अभी मैं वास्तविक संस्थापक बना हूं, रियल फाउंडर, अभी अभी मेरा घर बसा है यहां दिल्ली में, तुरंत मेरे को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाएगा। और इस प्रकार उसने क्या किया, मांग बरनी को भगाकर अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर ली मंगोलों से। ठीक है, इसीलिए इसको हम कैपेबल किंग या योग्य शासक कह रहे हैं, समझिए बात। ठीक, चलिए अगर हमें जानकारी मिलता है कि इसने एक व्यवस्था चालू की थी, व्यवस्था बहुत अच्छी एक व्यवस्था थी इसकी, जिसको हम कहते हैं इक्तेदारी व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्तेदारी व्यवस्था, इक्तेदारी सिस्टम। ठीक, अब इसमें होता क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सेना में और सेना के अलावा भी जो दूसरे कार्य करते थे उन व्यक्तियों को यहां पर वेतन के स्थान पर लैंड या भूमि दी जाती थी, वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी और यही भूमि क्या कहलाती थी, इक्ता भूमि कहलाती थी। समझ में आया क्या, वेतन के स्थान पर भूमि या जमीन दी जाती। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं, इतिहास अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो मैंने एक सामंती व्यवस्था या फ्यूडल सिस्टम सातवाहन वंश के समय में बताया था। उस सातवाहन वंश के समय में जो फ्यूडल सिस्टम या सामंती व्यवस्था के बारे में बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि भाई यहां पर एक भूमि देने की व्यवस्था नजर आएगी आपको, लैंड डोनेट किया जाता था। लैंड डोनेट जो होता था उसमें हमको देखने मिला सामंती व्यवस्था में कि सामंतों को जो यहां पर जमीन मिलती थी उस जमीन का दुरुपयोग उन्होंने किया और खुद के अपने वंश को खड़ा कर लिया, वैसे ही तो गुप्त वंश था। ठीक, तो यहां पर इन्होंने इक्तेदारी व्यवस्था में क्या किया, तो इक्तेदारी व्यवस्था में हमको देखने मिला कि अगर मान लो ए नाम के सैनिक को या सेनापति को यह भूमि दी गई तो उसके बेटे बी को वह भूमि ट्रांसफर नहीं होती थी, ट्रांसफर नहीं कर सकता था। यानी सेनापति का अगर कार्यकाल 60 वर्ष तक का है, 60 वर्ष तक का अगर कार्यकाल है सेनापति का तो 60 वर्ष के पश्चात उसे भूमि वापस करनी होती थी। और सामंती व्यवस्था में ऐसा नहीं था,
वो वंशानुगत था, हेरिडेटरी था, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के में वो ट्रांसफर होते रहता था। परंतु यहां क्या किया गया, जो वंशानुगत व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया, वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्तदारी व्यवस्था, जिसमें वेतन की जगह भूमि दी जाती थी और भूमि को कुछ समय के लिए दिया जाता था और उसके बाद उसका कार्यकाल समाप्त होने पर वापस कर दिया जाता था, ठीक। तो यह थी इक्तदारी व्यवस्था। इसके अलावा इसने अपने समय में दो नए प्रकार के सिक्के चलाए, जिसे हम कहते हैं तांबे का जीतल और चांदी का दाम। इस प्रकार के सिक्के उसने चलाए थे, तांबे का जीतल और चांदी का दाम, दो नए प्रकार के सिक्के भी इसने चलाए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इल्तुतमिश के अगर निर्माण कार्यों को हम देखें, निर्माण कार्य को हम देखें तो सबसे पहला इसने काम किया था कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार 1, 2, 3, 4, ठीक, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण इसने पूरा कराया, ठीक है। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा किया, निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने किया, ठीक। जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं जुड़े थे वो ध्यान रखेंगे, जो निर्माण पूरा हो रहा है वो इल्तुतमिश करवा रहा है। तो शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर क्या रखी थी, नींव रखी थी, फाउंडर फाउंडेशन स्टोन नींव रखने का काम ये किया। इसके अलावा आगे चलकर कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पर जब बिजली गिरी तो बिजली गिरने के कारण यह ध्वस्त हो गया, और ध्वस्त होने के पश्चात आगे चलकर एक तुगलक वंश के शासक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया और इसमें एक और मंजिल जोड़ी और 5 मंजिल का कुतुब मीनार हो गया। तो याद रखेंगे इसका जीर्णोद्धार या रिपेयर का काम, रिपेयर का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था और 5वीं मंजिल का निर्माण किया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित या कुतुब मीनार से संबंधित कौन कौन से शासक हैं। तो 3 महत्वपूर्ण शासकों के आपको नाम याद रखने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। इसके अलावा इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसकी मृत्यु होने के पश्चात इसने एक मकबरा बनाया जिसे हम कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे हम कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो एक मकबरा इसने बनवाया जिसे हम कहते हैं क्या, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मकबरा। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। तो ये कौन सा शासक हो गया आपका, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से संबंधित इतनी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक चीजें। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाए, इल्तुतमिश के बेटे के मृत्यु के पश्चात यहां पर उसका कोई और ऐसा वारिस नहीं था या योग्य पुत्र नहीं था जो यहां पर शासक बन पाए। तो यहां पर उसकी एक बेटी थी इल्तुतमिश की, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। तो यहां पर रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया और रजिया सुल्तान अगली शासिका यहां पर बनी। तो जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया
सुल्तान के बारे में, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1236 से 40 तक। बहुत ही अल्प समय के लिए शासिका बनी और इसको बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी, बहुत कठिनाई, क्योंकि ये महिला थी, महिला, और महिला होना, महिला होना और महिला के अलावा शासिका होना उस समय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। आज के समय में तो महिलाएं हर जगह आपको देखने मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे पद में बैठी हुई, परंतु उस समय अगर कोई महिला शासिका बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती। तो यहां पर उसके सामने क्या चुनौतियां थी उसको समझिए। कहा जाता है कि तुर्काने चहलगानी जो है रजिया सुल्तान को शासिका के रूप में पसंद नहीं करता था, या अगला उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर रहा था, सक्सेसर नहीं मान रहा था। तो यहां पर रजिया सुल्तान ने, जो उसके पिता ने एक नियम बनाए थे न्याय के लिए, न्याय के लिए एक नियम उसने बनाए थे, उस न्याय के नियम को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया, लाल कपड़े पहनकर जनता के सामने गए और लाल कपड़े पहनकर जाकर जनता के सामने न्याय की गुहार लगाई। और न्याय की गुहार लगाते हुए उसने पूछा, क्या आप मुझे शासिका के रूप में पसंद करेंगे? तो जनता ने जवाब दिया हां, कि हम दिल्ली सल्तनत में आपको एक रानी के रूप में, शासिका के रूप में देखना चाहते हैं। और जनता की आवाज पर यहां पर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी रजिया सुल्तान, ठीक, पहली महिला शासिका बनी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान का दरबार में जाने का तरीका भी अलग था, वह पुरुषों की तरह कैप पहनती थी, टोपी और एक कोट जैकेट, ये दोनों चीजें पहनकर वो हमेशा दरबार में जाती थी, जिसका बहुत तो सामने तो विरोध नहीं किया गया, परंतु अंदर ही अंदर विरोध होने लगा। अगर हम रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो आगे चलकर कुछ समय बाद अल्तुनिया से इसका विवाह भी होता है, परंतु इसका विवाह ज्यादा समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि 1240 में, 1240 में आप कह सकते हैं कि तुर्काने चहलगानी के द्वारा 1240 में कैथल नाम के स्थान पर इसे मार दिया जाता है, कैथल नाम के स्थान पर, और इसकी मृत्यु 1240 में हो जाती है, डेथ, ठीक। तो आपको रजिया सुल्तान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, ठीक है, बस इतना जानना है कि क्या है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका है, इतना ही आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासिका के रूप में कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक। अब 1240 के पश्चात अगर हम कहें तो योग्य शासकों का क्रम बंद हो गया, इसके बाद 1240 के बाद दिल्ली सल्तनत में योग्य शासक नहीं आए, एक अच्छे शासक के रूप में कोई शासन नहीं कर पाए, बहुत ही कम समय के लिए कुछ शासक आए थे और चले गए। अब आपको जो जानना है अगले राजा के बारे में, वो अगला जो इंपॉर्टेंट राजा है वह है बलबन, बलबन। तो बलबन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर इन चीजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको टॉप एमसीक्यू सीरीज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाए, इसलिए हमको प्रश्न देखते हुए टॉपिक को आगे भी बढ़ाना है, ठीक। चलिए पहला एक प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर चीजों को जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे आगे बढ़ते चले। तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब जो हमको अगला पढ़ना है, रजिया सुल्तान के बाद वो अगला महत्वपूर्ण शासक दिल्ली के गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का, वह है बलबन, बलबन। तो हमको पढ़ना है बलबन के बारे में, चलिए देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन का जो टाइम पीरियड है वह मिलेगा आपको 1266 से 1286, यानी 40 से 66 के बीच का जो गैप आपको नजर आ रहा है, या रजिया सुल्तान के बाद राजाओं का जो गैप नजर आ रहा है वो है अयोग्य राजाओं का क्रम। आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है बलबन के बारे में। तो देखते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन जो है ये तुर्काने चहलगानी के सदस्य के रूप में था पहले,
और धीरे 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 यह अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता चला और रुकनुद्दीन फिरोज, नसुद्दीन महमूद, इस प्रकार के जो शासक अयोग्य शासक आए, तब इसे एक मौका मिला और मौका मिलने के पश्चात ही अपने पूर्व के राजा को मारकर यह राजा बन गया, अगला शासक अपने आप को घोषित कर दिया। अब ये जो बलबन है, समझिए आप, ये बलबन जो है अयोग्य शासकों के बाद आ रहा है, मतलब इसके पास दिल्ली सल्तनत को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए यह बहुत कठोर नियम कायदे कानून बनाने लगता है। और सबसे पहला कार्य ये जो तुर्काने चहलगानी जो समूह बना था उसे इसने समाप्त कर दिया। इस बात को ध्यान दीजिए, इल्तुतमिश ने चालू किया था, बलबन ने समाप्त कर दिया। यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखेंगे तुर्कान ए चहल गानी, तुर्कान ए चहल गानी को एबॉलिश किया गया, समाप्त किया गया, तुर्कान ए चहल गानी को समाप्त किया गया, एबॉलिश किया गया। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। इसके अलावा जो आपने प्रश्न में देखा आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, लौह व रक्त की नीति इसने ही बनाई, ठीक, तो इसने एक नीति भी बनाई जिसको कहते हैं आयरन एंड ब्लड, लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति, इसे हम कहेंगे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अब आप बोलोगे सर ये आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी क्या है? आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी या रक्त लौह की नीति में किसी का खून नहीं बहा रहा या लोहा ले किसी को मार नहीं रहे, समझिए बात को। इसका मतलब है इसने बहुत ज्यादा कठोर नीति बनाई और अपने सामने किसी भी राजा को या खड़े नहीं होने देता था, और कोई भी राजा अगर इसका विरोध किया तो उसे तुरंत उसके राज्य को और उसे भी खत्म कर देता था। इस प्रकार की कठोर दमनात्मक नीति इसने बनाई थी, उसको कहते हैं आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, लौह व रक्त की नीति। ठीक, कारण आपको समझ में आ रहा है क्यों कठोर हो रहा है, क्योंकि भाई राजा पहले के राजा उतने योग्य नहीं थे और ये संभालना चाह रहा है दिल्ली सल्तनत को, इस कारण से क्या बन रहा है, ये कठोर बनता जा रहा है। इसके अलावा इसने किंगशिप पॉलिसी भी बनाई थी, किंगशिप पॉलिसी। इसके अलावा इसने एक राजत्व का सिद्धांत भी दिया था, किंगशिप पॉलिसी, राजत्व का सिद्धांत भी दिया। ये जितना भी पॉइंट में लिख रहा हूं आप ध्यान से याद करते चलेंगे, सब लाइन एक एक प्रश्न के बराबर है, एक एक प्रश्न यहां पर बनता है। राजत्व के सिद्धांत, इस राजत्व के सिद्धांत के तहत ये अपने आप को जिल ए इलाही कहता है, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही स्वयं को कहेगा। साथ ही साथ नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, जिल ए इलाही या नियाबत ए खुदाई, इस प्रकार के टाइटल खुद को देगा, कहेगा मैं ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और आप जैसे अल्लाह को, ईश्वर को पूजते हो वैसे मुझे भी पूजना चालू करो, और अपने आप को एक देवता के रूप में, एक देवता एक भगवान के रूप में जनता के बीच में पेश कर रहा है। और इसी प्रकार इसने इसने एक और एक प्रथा बना दी, एक और एक सिस्टम चालू किया, उसे हम कहते हैं सिजदा व पाबोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिजदा एंड पाबोस, सिजदा एंड पाबोस। सिजदा व पाबोस की प्रथा में यह होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर राजा के सामने आता है तो उसे या तो दंडवत प्रणाम करना होता था या तो वह राजा के हाथों में चूमता था, हाथों को चूमता था और सामने आकर नतमस्तक हो जाता था उसके सामने। इस प्रकार के उसने नियम बनाकर रखे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने खड़े होने या देना ही नहीं चाहता था, इसलिए तो तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया, लौह व रक्त की नीति बना रहा, राजत्व का सिद्धांत बना रहा, खुद को भगवान कह रहा है और क्या कर रहे हैं, सिजदा व पाबोस की प्रथा को चालू कर रहे। ठीक, एक ये ईरानी प्रथा थी, इस्लाम में ये सब मना ही थी, परंतु इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है कौन, बलबन। साथ ही साथ
इसी ने एक पारसी नववर्ष की भी शुरुआत की, याद रखिएगा पारसी न्यू ईयर नववर्ष की शुरुआत की, उसे कहते हैं नवरोज, नवरोज ठीक। पारसी नववर्ष या नवरोज की भी क्या करेगा, शुरुआत करेगा, ठीक है। इतनी पॉइंट समझ में आ रही है आपको। इसके अलावा इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, सैन्य विभाग जिसे हम कहेंगे दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज, या एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। क्लियर है कि नहीं? यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई, है ठीक। तो ये क्या था, बलबन का, बलबन के बारे में कुछ जानकारी जिसको बिल्कुल आपको याद रखना। अब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कभी भी आप अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल इतने ही राजाओं के बारे में पढ़िए, बाकी किसी राजा के बारे में प्रश्न उतने ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि हम जो आपको तैयार करना चाह रहे हैं वो सीजीपीसी प्रीलिम्स के हिसाब से हम चाहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क भी करें, ऐसा ही नहीं कि भाई इतिहास को पढ़ते चले गए और नोट्स बनते चले गए, ऐसा भी मत। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा हो कि आप जो बिंदु लिखें उसमें से प्रश्न बने, बाकी समझने वाली चीजें आपके दिमाग में हो और पुस्तकों में हो, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं, बुक पकड़े और पूरा बुक का नोट्स बनाने लग गए, पूरे बुक को छाप देते और कहते हैं कि ये नोट्स बना, ठीक। इतिहास अगर आप 400 पेज की जगह अगर 100 पेज में अगर खत्म कर देते हैं तो सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि आपके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके नोट्स में होने चाहिए जिसे आप देखें और आपके दिमाग में पूरी की पूरी कहानी छप जाए। और मेरा भी पढ़ाने का यही प्रयास है कि आपको कोई भी चीज अगर बता रहा हूं तो उसके साथ साथ आपको क्यों और क्या यह भी बताते चाह रहा हूं, ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक। तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा, गुलाम वंश, और गुलाम वंश में पहला राजा कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला कौन आया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में कौन है, बलबन। इतने को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इतने को ध्यान रखिएगा। आपको कभी जमाने के लिए क्रम में जमाने के लिए देगा तो राजाओं का नाम नहीं देगा, आपको देगा वंश के नाम, वंश के नाम। और वंश के नाम में जैसे मैंने पहली स्लाइड में लिख दिया था आपके लिए, पहला कौन सा बोलिए, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद दूसरा कौन सा मिला आपको, खिलजी वंश। खिलजी के बाद अगला कौन सा है, तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद, और लास्ट दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। समझ में आ रही चीज है, बार 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 मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक। एक बार सवेरे देख लो, एक बार रात को सोने से पहले देख, ठीक, चीजें याद हो जाएंगी। चलिए टॉपिक में आते हैं, इस प्रकार डिस्कशन करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप पूछते रहेंगे, जिसका जवाब मैंने आपको बताया शनिवार को आपको दिया जाएगा, ठीक। शनिवार को लाइव के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों को लिया जाएगा और किसी प्रकार की समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बलवंत के बाद हम देखें तो कैक्यूबाद और क्यूमर्स नाम के दो कमजोर शासक आते हैं और पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। गुलाम के बाद अगला जो वंश आता है वह है खिलजी वंश। तो अगला जो वंश हमें गुलाम वंश के बाद देखने मिलता है वह है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी वंश का जैसे मैंने टाइम पीरियड बताया, यह आपको मिलेंगे 1290 से 1320 तक, सबसे छोटे समय के लिए, कार्यकाल के लिए इनका वंश आएगा। और यहां पर सबसे पहला जो शासक आपको देखने मिलेगा वह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पहला राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करूं मैं तो यह क्या था, एक 70 वर्ष का बूढ़ा शासक था,
70 वर्ष का बूढ़ा शासक, 70 वर्ष का बूढ़ा शासक था। इसके समय में मंगोल नेताओं का आक्रमण हुआ था और मंगोल नेताओं में उस समय हमें देखने मिला कि जब मंगोलों का आक्रमण इसके समय में इसके कार्यकाल में होता है तो मंगोल क्या होते हैं, खिलजियों से पराजित हो जाते हैं और जो मंगोल भागकर वापस चले गए उसके अलावा कुछ मंगोल जो यहीं रह गए दिल्ली में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और मुसलमान कहलाए। उन्हीं मुसलमानों को जिन्होंने या उन्हीं मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करके दिल्ली में बस गए उन्हें हम कहते हैं नव मुसलमान। नव मुसलमान याद रखेंगे, नव मुसलमान, नव मुसलमान कहलाए। क्लियर है? क्या बताया मैंने, मंगोलों का अटैक, मंगोल पराजित, जो मंगल हार कर दिल्ली में ही रुक गए इस्लाम ग्रहण कर लिए वही क्या कहला रहे हैं, नव मुसलमान कहला रहे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इस समय यहां जब आक्रमण हो रहे होते हैं इसी बीच इसने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान में भेजा था, देवगिरी अभियान, और देवगिरी अभियान से वापस आते समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अगर टाइम देखें तो बहुत कम समय के लिए आता है, ये आपका 1290 से लेकर 1296 मात्र 6 साल के लिए आता है, 6 साल के लिए शासन करता है और इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, इसे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। जो इसके बाद हम अगले शासक पढ़ रहे हैं वह है अलाउद्दीन खिलजी और वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो खिलजी में आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। यहां पहला प्रश्न देख रहे हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान से धन प्राप्ति का अभियान था या दक्षिण के राज्यों पर कब्जा करना चाहता, ठीक, एक प्रश्न हम ले रहे हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को समझेंगे। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान करेगा, साउथ एक्सपेडिशन करता है ना, वहां पर उसका मेन उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करना, ठीक। इसके अलावा यह दक्षिण के राज्यों पर कब्जा नहीं करना चाहता, याद रखिएगा दक्षिण के क्षेत्र में आक्रमण तो करता था बट कब्जा नहीं करना चाहता था, इसको पता था, यह भी इतिहास से समझ कर आया है, इसने भी इतिहास से सीखा है, समुद्रगुप्त से सीखा है कि समुद्रगुप्त ने जैसी गलती की वैसी मैं ना करूं, ठीक। तो समुद्रगुप्त की तरह यह गलती नहीं करेगा, दक्षिण अभियान में ज्यादा फोकस नहीं करेगा, केवल लूटपाट करके धन दौलत देकर यह वापस अपने क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम कहेंगे यह दक्षिण के राज्य क्षेत्रों में कब्जा नहीं करना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कारण यहां पर गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक, यहां पर लिख लीजिए बी, ये है सी, ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे वहां पे। चलिए तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक, इमेज में देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को, देख लीजिए ध्यान से भी अलाउद्दीन खिलजी जो इतना खूंखार था कि इसने अपने चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया, इसका खूंखारपना आप देखेंगे कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक अभियान किए और कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर इसे विजय हासिल ना हुई। इसके लिए वह साम नाम दंड भेद जो भी उसे करना पड़े यह करता था, ठीक। तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इसे कुछ टाइटल्स या उपाधियां मिली हुई थी, इसका एक नाम हमें मिलता है
अली गुरसाब, अली गुरसाब, या इसे सिकंदर, सिकंदर ए सैनी भी कहा गया, सिकंदर ए सैनी भी कहा गया, अली गुरसाब या सिकंदर ए सैनी भी इसे कहा गया। क्लियर है पॉइंट? ठीक। तो यहां पे अली गुरसाब या सिकंदर ए सैनी, इसमें आप सिकंदर ए सैनी जो देख रहे हैं, ये सिकंदर ए सैनी या सिकंदर सेकंड, कभी आप ध्यान रखिएगा, आपको कहे सिकंदर द्वितीय कौन है तो यही है सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय इसलिए कहा जा रहा है कि सिकंदर ने जैसे विश्व विजय अभियान किया था, अलेक्जेंडर ने जैसे विश्व विजय अभियान किया था, वैसे इसने पूरे भारत में अभियान चलाकर रखे थे। इस कारण से हम इसे क्या कह रहे हैं, सिकंदर ए सैनी कह रहे हैं। ठीक। अब जो हमको पढ़ रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इसके अभियान के बारे में, विजय अभियान के बारे में, किसने उत्तर भारत में कहां कहां आक्रमण किए, दक्षिण भारत में कहां आक्रमण हुआ, इन सब चीजों को समझते चलेंगे। और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल, आप देख रहे हैं टॉप एमसीक्यू सीरीज, और इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और कोशिश यही है कि आपको इसके बाद कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में जाना ना पड़े, और आपका जो एग्जाम हमें क्रैक करना है, यानी सीयूपीएससी का एग्जाम जो हमें क्रैक करवाना है, उसके लिए किसी भी प्रकार से आपकी कमी ना। ठीक। चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं विजय अभियान, विजय अभियान। एक मैप ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक। चलिए, विजय अभियान की अगर मैं बात कर रहा हूं, विजय अभियान, तो सबसे पहले मैं उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहूंगा। उत्तर भारत में सबसे पहला इसका अभियान होता है गुजरात में, उत्तर भारत में सबसे पहला इसका अभियान होता है गुजरात में, ध्यान देंगे गुजरात। गुजरात अभियान, सबसे पहला अभियान गुजरात अभियान, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान जो होगा, गुजरात अभियान जो होगा वह होगा 1298 ईस्वी में, 1298 मीन्स 1298। और यहां पर जो राजा हमें देखने मिलेंगे उनका नाम होता है राय कर्ण, राय कर्ण, गुजरात के शासक राय कर्ण पर आक्रमण करने के लिए यह अपने सबसे वफादार नुसरत खां और उलुक खां को भेजता है। तो यहां इस अभियान में उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, नुसरत खान और उलुग खान, नुसरत खान और उलुग खान, ये दोनों को भेजा गुजरात अभियान। इसके अलावा हमें देखने मिलता है कि जब ये गुजरात अभियान में अपने दो वफादार सेनापतियों को यहां भेजता है, नुसरत खान और उलुग खान को, तो इसमें इन्हें विजय हासिल होती है और रायकर्ण इसमें पराजित होता है, रायकर्ण पराजित, डिफीटेड, रायकर्ण इसमें क्या होता है, हार जाता है। ठीक। तो यहां पर रायकर्ण को पराजित करने के पश्चात जब नुसरत खां और उलुग खां वापस जा रहे होते हैं, तो वापस जाते समय इन्होंने एक बाजार से गुजरे, और जब ये बाजार से गुजर रहे होते हैं तो उस बाजार में इन्होंने एक दास को, एक स्लेव को खरीदा, और जो स्लेव को, दास को खरीदा गया, वह खरीदा गया 1000 दीनार में, 1000 दीनार, और 1000 दीनार में उन्होंने जो दास खरीदा था वह था एक हिजड़ा, हिजड़ा जिसका नाम था मलिक काफूर। याद होगा आपको पद्मावत मूवी, पद्मावत मूवी में आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के साथ, याद होगा एक पतला दुबला सा लड़का था, पतला दुबला सा एक लड़का हमेशा उसके साथ रहता था, उसका वफादार आगे चलकर सेनापति बनेगा उसका, बिल्कुल राइट हैंड की तरह काम करता था। वही जो है
मलिक काफूर था। मलिक काफूर को ही हजार दिनार में खरीदा गया, इस कारण से मलिक काफूर कहलाता था हजार दिनारी, हजार दिनारी। तो इसी समय इन्होंने गुजरात अभियान के पश्चात मलिक काफूर को खरीदा, मलिक काफूर को खरीदा, और मलिक काफूर को कहा जाता था हजार दिनारी, हजार दिनारी भी कहा जाता था, हजार दिनारी। ठीक, चलिए अब अगला जो है गुजरात अभियान के पश्चात यहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना आगे बढ़ी और अलाउद्दीन खिलजी ने अगला जो अभियान किया वह किया रणथंबोर में, रणथंबोर राजस्थान, राजस्थान के रणथंबोर में, और यह अटैक हुआ था वर्ष 1301 में। 1301 में राजा थे वहां पर हमीर देव, हमीर देव। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी कोई भी अभियान में पराजित नहीं होगा, और यहां पर भी राजा हमीर देव क्या हुए, पराजित हुए। और कहा यह भी जाता है इतिहास में कि जौहर के, जौहर के प्रथम साक्ष्य हमें यहीं देखने को मिले थे रणथंबोर, ऐसी जानकारी भी मिलती है। ठीक, तो दूसरा अभियान कौन सा था, रणथंबोर का अभियान, और अगला अभियान कौन सा है, गुजरात अभियान। तीसरा अभियान सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर मूवी बनी थी, पिक्चर जो बनी थी उसी अभियान पर बनी थी। और तीसरा जो अभियान होगा, तीसरा जो अभियान होगा वह होगा चित्तौड़ अभियान। अगला जो अभियान होगा चित्तौड़ अभियान होगा, और ये चित्तौड़ अभियान होता है वर्ष 303 में, 1303 में। और यहां पर जो राजा होंगे चित्तौड़ में, चित्तौड़ में जो राजा होंगे उनका नाम था राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। ठीक, राणा रतन सिंह चित्तौड़। ठीक, चलिए थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। पिक्चर में बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, बट बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और परीक्षा की तैयारी करते हुए या स्कूल टाइम में उन्हें समय नहीं मिला हो, तो कई छात्रों को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूं, चित्तौड़ अभियान की अगर मैं बात कर रहा हूं तो चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है राणा रतन सिंह की पत्नी के लिए उसने यह आक्रमण किया था, जिनका नाम था पद्मावती, पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, और सुंदरता पर मोहित होने के बाद उसने सबसे पहले राणा रतन सिंह से मिलना चाहा और उनसे निवेदन किया कि मैं एक बार रानी पद्मिनी को या पद्मावती को देखना चाहता हूं। शुरुआत में तो राणा रतन सिंह ने उन्हें मना किया, परंतु कुछ समय बाद कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक, पिक्चर में चीजें अलग हैं, रियल में चीजें अलग हैं। रियल में कहा जाता है वास्तविक रूप से कि वहां पर एक जल महल होता था, जल महल यानी कि एक तालाब नुमा आकृति का सरोवर, उस सरोवर में बीच में एक छोटा सा महल होता था। वहां पर राणा रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को बुलाया और रानी पद्मिनी उस जल महल में आई, क्योंकि हमारे राजस्थान में आप देखेंगे घूंघट की जो प्रथा है वह आज भी चली आ रही है, और इस घूंघट की प्रथा का पालन करते हुए रानी पद्मिनी घूंघट डाले हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी को जो रानी पद्मिनी को देखना चाहते थे वो देख नहीं पाए। तो यहां पर रानी पद्मिनी जो है वह जल के, जल में देखती है, और जल से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह अलाउद्दीन खिलजी को दिखता है, और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी इनको देखते हैं, और इसके बाद
इनकी जो लालसा है वो और बढ़ जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी इसी कारण से उन्हें पाने के लिए कहां आक्रमण कर देगा, चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर आक्रमण करके राणा रतन सिंह को या धोखे से मार देगा और इनके क्षेत्र को जीत जाएगा। इनके क्षेत्र पर जब आक्रमण करके राणा रतन सिंह की हत्या करता है तो वहां पर आपको रानी पद्मनी की जौहर प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। जौहर प्रथा। बहुत सारे छात्र कहेंगे सर जौहर प्रथा होता क्या है, तो बता देना चाहूं जौहर प्रथा में रानियां जब राजा को युद्ध में भेजा करती थी तो उन्हें एक भगवा वस्त्र पहनाकर भेजती थी और खुद लाल वस्त्र लाल जोड़े में यहां रहती थी कि अगर कभी युद्ध में राजा की मृत्यु कभी हो जाए तो राजा की मृत्यु के पश्चात ये अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ये जौहर कर लेंगी, यानी एक अग्नि कुंड में जाकर अपना जीवन त्याग देंगे। यही जौहर प्रथा रानी पद्मनी ने अपनाई और यही जौहर प्रथा आपको इस कुंड में देखने को मिली। कहा जाता है यह वही कुंड है चित्तौड़ का जिस कुंड में रानी पद्मनी ने जौहर किया। ठीक जैसे सती प्रथा 510 ईस्वी भानुगुप्त का एरण अभिलेख जानकारी देता है सती सिस्टम सती प्रैक्टिस के बारे में, वैसे ही जौहर के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। क्लियर है ना तक चीज। तो आपने अभी तीन अभियान देख लिए, तीन अभियान, चित्तौड़ का अभियान, रणथंभौर का अभियान और एक है गुजरात का अभियान। यह मैंने उत्तर भारत के उनके महत्वपूर्ण अभियानों की चर्चा कर ली। ठीक चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये जो अलाउद्दीन खिलजी है कैसे इसने दक्षिण का अभियान किया और दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्र इसने जीते। ठीक अब यहां पर दक्षिण अभियान करने के लिए अपने राइट हैंड दाएं हाथ को भेजेगा, कौन जाएगा दाएं हाथ मतलब मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का कभी भी नाम आएगा तो मलिक काफूर के बगैर पूरा नहीं होगा। तो यहां पर आपको मलिक काफूर की जानकारी मिलेगी, मलिक काफूर। ठीक ध्यान से समझते जाइए, बहुत अच्छे से हम चीजों को समझ रहे हैं। जहां पर मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से जानना चाहिए वहां पूरी चीजें बताई जा रही है, और जहां आपको लगता है कि वहां उतना इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस मुझे देना नहीं चाहिए तो वहां पर मैं चीजों को उतना डीप में हम नहीं जा रहे। तो यहां पर समझते हैं इनके दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण होगा देवगिरी में। पहला अभियान देवगिरी अभियान। देवगिरी में उस समय राजा होंगे जिनका नाम होगा रामचंद्र। ठीक देवगिरी अभियान में जाएंगे मलिक काफूर, और देवगिरी में मलिक काफूर और रामचंद्र के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है और रामचंद्र भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक समय बाद पराजित हो जाते हैं। और रामचंद्र की पराजय के पश्चात यहां जब उनकी बहादुरी को देखा जाता है तो बहादुरी के देखते हुए इन्हें एक टाइटल मिलता है और रामचंद्र को कहा जाता है एक उपाधि में राय रायन कहा जाता है। याद रखेंगे रामचंद्र क्या कहा गया, राय रायन कहा गया। देवगिरी अभियान की बात है, राजा कौन है रामचंद्र। बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कैसे यहां से प्रश्न तैयार होंगे। ठीक चलिए अगला अभियान हम देखें तो इस अभियान का इंपॉर्टेंस हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि दूसरा जो अभियान हो रहा है यह है वारंगल अभियान, आंध्र प्रदेश वारंगल। यहां पर हमें एक राजा मिलेंगे जो काकती वंश के राजा जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव।
काकती वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव। अब अली काफूर ने दक्षिण भारत के आक्रमण में अभियान में दूसरा अटैक किया, कहां पर? वारंगल पर। और वारंगल में अभियान करके आक्रमण करके यहां पर उन्होंने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। और प्रताप रुद्रदेव अधीनता स्वीकारते हुए, कहा जाता है इसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, गोल्डन स्टैच्यू, सोने की मूर्ति। और उस सोने की मूर्ति में इसने सोने का चैन डालकर, हथकड़ी पूरी जंजीर डालकर, सोने की जंजीर डालकर यह अलाउद्दीन खिलजी के सामने भेज देगा। और अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजने का यह अर्थ था कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक, आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपने सोने की मूर्ति बनाकर, सोने की जंजीर डालकर राजा के सामने भेजा था, तो आप बताएंगे कौन है? यह है काकती वंश का राजा प्रताप रुद्रदेव। ठीक, अब जैसे मैंने कहा छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है, यानी काकती वंश, यही है वो काकती वंश जो आज भी आप बस्तर दशहरा में इन्हीं काकती वंश के राजाओं को देखते हैं, जिसकी शुरुआत श्रावण अमावस्या से हो चुकी है। ठीक, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इस बार का जो बस्तर दशहरा है कितने दिन का मनाया जाने वाला, कितने दिन का बस्तर दशहरा इस साल का पूछ रहा हूं मैं, हर बार का नहीं, हर बार की बात नहीं कर रहा हूं। आप विशेष रूप से बताएंगे कि बस्तर दशहरा जो है इस बार कितने दिन का मनाया जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, थोड़ा अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा, बस्तर के इतिहास को थोड़ा जानते होंगे, तो आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक, थोड़ा सा और पॉइंट यहां कनेक्ट कर देता हूं, इतनी बात आ ही गई है बस्तर। प्रताप रुद्रदेव का ही भाई था अन्नम देव और एक बहन थी रैला देवी। और अन्नम देव जब यहां से जाते हैं बस्तर में, तो बस्तर में जाकर इनके द्वारा ही, अन्नम देव के द्वारा ही काकती वंश की नींव रखी जाती है वर्ष 1324 में। ठीक, टेमरा का भी जानकारी मिल जाएगी आप। और उन्हीं अन्नम देव ने दंतेश्वरी माता के मंदिर की भी स्थापना की। ठीक, यहां इमेज भी होगी मेरे पास, ये देखिए दंतेश्वरी माता का मंदिर, इसी मंदिर की स्थापना, इसी मंदिर की स्थापना अन्नम देव के द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो काकती वंश कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कभी अगर मौका मिला बस्तर के इतिहास को जानने का, छत्तीसगढ़ पढ़ने का, तो वहां पर वो चीजें हम लोग और कनेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे यहां पर काकती वंश की स्थापना हुई। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं इतिहास, अगर आप कहानियों के माध्यम से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें हमेशा याद रहती हैं। और प्रयास भी यही है कि आपको जहां हो सके वहां कहानी बताइए। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगले दो छोटे छोटे अभियान होंगे इसके, दो छोटे छोटे अभियान। एक अभियान होगा दक्षिण भारत में, तीसरे क्रम का, उसे हम कहेंगे होयसल अभियान, होयसल कर्नाटक में होयसल अभियान। और यहां पर उन्होंने वीर वल्लाल को पराजित किया, वीर वल्लाल को पराजित किया। ठीक, साथ ही साथ अगला जो है केरल के पांड्य बंधुओं को इन्होंने हराया और पांड्य अभियान किया, पांड्य अभियान जिसमें वीर पांड्य, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य पराजित हुए, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य पराजित हुए। क्लियर है चीजें? ठीक, चलिए तो यह मैंने आपको बता दिया कि हम अलाउद्दीन खिलजी को क्यों सिकंदर सैनी कहते हैं, उसका कारण यही है कि इसने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्न लेकर फिर हम चीजें आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी कुछ जानकारी और है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसे जानकर फिर खिलजी वंश को समाप्त करेंगे।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, अभी आपको बताया मैंने कौन था, ठीक। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, ठीक। अगला है सूची एक को दो से मिलाइए, ठीक है, तो चयन कर लीजिए भाई। यहां पर देखिए ध्यान से, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे, ध्यान से देखिए दो मिनट और बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी। तो यहां पर आंसर क्या होगा, रणथंभौर में हमीर देव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में रामचंद्र और गुजरात में कर्णदेव, कर्णदेव, ठीक। क्लियर है यहां तक चीजें, अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, अगला है कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को वेतन देना चाहता था, कम वेतन देना चाहता था, बताइए कौन सा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, आंसर देने का प्रयास सभी करेंगे, विच आंसर आर करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, परंतु कारण गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। चलिए अब समझना क्या है, आप देखिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार, मार्केट, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, मार्केट प्राइस कंट्रोल, मार्केट प्राइस कंट्रोल करने का इन्होंने प्रयास किया। अब वो प्रयास कैसा था उसको समझिए। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को आप देख रहे हैं कि उत्तर के क्षेत्र को इसने जीता, दक्षिण भारत को भी इसने जीत लिया, और जीता कैसे, तो जीता उसने स्थायी सेना बनाकर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाई, परमानेंट आर्मी बनाई इसने। इसके अलावा यहां उन्होंने स्थायी सेना तो बनाई, साथ ही साथ स्थायी सेना को वेतन भी इन्होंने प्रॉपर दिया, वेतन भी अन्य क्षेत्र के राजाओं से इसने अधिक वेतन दिया। दूसरा कि सेना में कभी बगावत ना हो, सेना में कभी बगावत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा, और इसने बाजार में हमेशा जो मार्केट में जो सामान होते थे उसके वैल्यू को कम रखा, अनाजों के कपड़ों के वैल्यू को हमेशा कंट्रोल रखा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ जाती तो ये जो स्थाई सेना है, स्थाई सेना यहां पर स्थाई सेना के द्वारा अधिक वेतन की डिमांड होती, जितना वेतन है ना सैलरी बढ़ाओ यह बात आती। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि मार्केट में जो वस्तुएं हैं उसका सामान नियंत्रित करके रखा। जैसे आज के टाइम में हम मार्केट में जो सामान लेने जाते हैं उसमें सामान का वैल्यू जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे आपके जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं उसके लिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम चला के रखा है, ताकि अगर मार्केट में कितनों भी हाई वैल्यू हो जाए, कितनों भी चीजें महंगी हो जाए, आपको गवर्नमेंट अपने सरकारी संस्थाओं से सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध करा देती है, यानी बेसिक चीजें तो मुहैया करा देती है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने और कम करने में भी गवर्नमेंट का हाथ होता है, ठीक। तो यहां पर वही चीज हमको देखने मिली, इन्होंने क्या किया, बाजार मूल्य नियंत्रण किया और क्या करी, एक स्थायी सेना बनाई। इसके अलावा इन्होंने एक सिस्टम चलाया था सेना में, अपनी आर्मी में, वह था हुलिया व डाक प्रथा, हुलिया व डाक प्रथा। इस हुलिया और डाक प्रथा में क्या होता था कि सेना में हम देखते हैं कि इनकी जो सेना है लाखों की सेना होती थी, और लाखों की सेना में हर किसी का
हर किसी का नाम याद रखना और उनका चेहरा याद रखना मुश्किल होता। तो यहां पर ये क्या करते थे, सेना में हर व्यक्ति की कद, काठी, वजन और उनके चेहरों में अगर कहीं पर या शरीर में कहीं पर कोई निशान है उसे नोट कर लेते थे, ताकि कभी भी मान लो अगर कोई सैनिक नहीं आया तो उसकी जानकारी इन्हें हो जाए। जैसे आप स्कूल में अटेंडेंस होता है, स्कूल में मान लो कि बाद एक बार में क्लास में 1000 लोग बैठे हैं, मान लीजिए 1000 लोग बैठे, तो 1000 लोग बैठे हैं तो कई बार देखते हैं कि पीछे के कुछ बच्चे, बैक बेंचेस बच्चे होंगे, अभी कमेंट सेक्शन में बताना चालू कर देंगे, सर मैं पीछे बैठता था सर, है ना, वो पीछे वाले पता है। कभी कोई मित्र या दोस्त अगर क्लास में कभी नहीं आता था तो उसकी जगह अटेंडेंस लगाने का काम वो उसका बैठा हुआ मित्र कर देता कि हाँ सर आया हूं करके, है ना। तो यही सिस्टम से बचने के लिए, है ना, कि यही सिस्टम से बचने के लिए कि सेना में भी तो लाखों लोग हैं और कोई मान लो नहीं आया और उसने अपनी हाजिरी लगा दी और वेतन लेकर जा रहा है और घर में बैठा है पता चला, तो उससे उसकी जानकारी मिल जाए कि ये कौन है जो नहीं आए हैं, उसकी जानकारी मिल जाए उस सैनिक के बारे में। उसी सैनिक की जानकारी के लिए उन्होंने क्या किया, एक हुलिया प्रथा की शुरुआत की, साथ ही साथ घोड़ों के लिए इन्होंने दाग प्रथा की शुरुआत। दाग प्रथा, घोड़े भी उस समय क्या थे, महंगे थे, बहुत महंगे विदेश से मंगाए जाते थे, यानी आपके कजाकिस्तान अफगानिस्तान से घोड़े आते थे, तो महंगे घोड़ों को संभालना जरूरी है। और होता यह था घोड़ों की पहचान के लिए उन घोड़ों को दागा जाता था, उसमें निशान लगाया जाता था ताकि जानकारी हो सके कि यह घोड़ा किस सैनिक का है, और हर सैनिक अपने ही घोड़े का यूज करे, वरना पता चला अस्तबल में रखा हुआ घोड़ा और जब युद्ध की घोषणा हुई तो जब सब पूरे सैनिक गए अस्तबल में घोड़ा लेने और उनको पता ही नहीं उनका घोड़ा कौन सा है, सब सैनिक लेकर चले गए और पता चला कि भाई जो सैनिक है जब अपना घोड़ा देखता है पैर वैर मान लो एक आध घोड़े का पैर टूटा हुआ है तो वो क्या करेगा, दूसरे सैनिक का घोड़ा पकड़ कर चला जाएगा, और जब लास्ट में कोई सैनिक बचा तो उसको क्या मिलेगा, वो टूटा पैर वाला घोड़ा। अब वो टूटे पैर वाले घोड़े को कैसे करेगा, क्योंकि वो तो उसका घोड़ा था नहीं, अब वो पहचानता तो नहीं, इसीलिए उस पहचान हो जाए, पहचान कर ली जाए घोड़े की, इसीलिए उसे क्या किया जाता था, दागा जाता था, उसमें निशान बनाया जाता ताकि सबको अपना घोड़ा मिले भाई, है ना, बेचारा वो क्या करेगा पैर टूट गया उस घोड़े को, युद्ध में मान लो गलती से ले जाता, जाते आते बेचारा घुड़सवार जो सैनिक है पैदल सवार हो जाता, घोड़ा वहीं गिर जाता, है ना, ये सब समस्या थी। ठीक, तो यहां पे हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, ये एक बार पूछा जा चुका है, इसको भी पूछेगा और इसे भी पूछेगा, तीनों को याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा इन्होंने एक कर व्यवस्था चालू की थी, कर व्यवस्था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है, सब चीजें अलाउद्दीन खिलजी की है, सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में भी जो पढ़ रहे हम लोग, तो इसने घड़ी कर व चरी कर की शुरुआत की, घड़ी कर व चरी कर। घड़ी कर का अर्थ हाउस टैक्स, घर से वसूला जाने वाला टैक्स, और चरी कर का मतलब जो जानवर हैं जहां चरते हैं, घास वास चरते हैं उस जगह का टैक्स कर, तो घड़ी वो कर व चरी कर की सिर्फ शुरुआत। साथ ही साथ कुतुब मीनार का सामने इसने अलाई मीनार बनाने का प्रयास किया, अलाई मीनार। कहा जाता है कि कुतुब मीनार के सामने इसने एक कुतुब मीनार से ऊंचा मीनार बनाने का प्रयास किया, परंतु इस मीनार को बनाने से पहले उसकी डेथ हो गई, और इसकी योजना ऐसी थी कि अलाई मीनार को सबसे ऊंचा मैं बना दूंगा और उसके बाद कुतुब मीनार को तोड़ दूंगा, यह इसकी योजना थी, परंतु यह पूरी नहीं हो पाई, अलाई मीनार ये कंप्लीट नहीं करवा पाए। इसके अलावा कुतुब मीनार के पास इसने अलाई दरवाजा बनाया, यह आपको देखने मिल जाएगा, अलाई दरवाजा आप देख सकते। ठीक है, चलो, तो ये हुआ कौन, अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक,
और इसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई। जैसे मैं बार 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 आपको वही चीजें दोहरा रहा हूं कि टॉप एमसीक्यू सीरीज जो एमसीक्यू के माध्यम से हमें आपको पूरा सिलेबस बताना है, और सिलेबस बताने का जो तरीका है इस बार वह है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बट आपको सिलेबस करवाया जाए और सिलेबस पूर्ण होंगे इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक, जो भी छात्र जिस समय भी हमारे से जुड़े हैं बिल्कुल उसी समय से आप पढ़ना चाहोगे। कुछ का यह होता है कि नहीं सर मैं शुरू से पढ़ू, और ये शुरू से पढ़ने के चक्कर में कभी शुरुआत होती ही नहीं। वही बात है ना, जब आपके दोस्त या मित्र आपको बोलते हैं कब से चालू करेंगे भाई तैयारी सीजीपीएससी का, डेट आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है ना, तो क्या बोलेंगे बच्चे? मोस्टली सबके यही रहता है कि सोमवार से चालू करेंगे, सोमवार को है ना, सोमवार पहला दिन है, बढ़िया रविवार को घूम घाम के जितना एंजॉय करना है करेंगे, और सोमवार को हम लोग क्या करेंगे पढ़ाई करना चालू करेंगे। और मैं बता रहा हूं वो योजना योजना ही रह जाती है, ना कभी सोमवार आता है, ना कभी मंगलवार आता है, ना कभी बुधवार आता है। ठीक है, हर दिन संडे की तरफ फिर निकल जाता है। इसीलिए मैं पॉइंट आपको ये चीज बता रहा हूं, जब जागे तब सवेरा, जिस समय भी आप अगर जुड़ गए हैं वहीं से उसी जगह से आप पढ़ना चालू कीजिए। ये मत सोचिए कि पीछे छूट गया सर उसका क्या करें। ठीक है, जहां से है वहीं से लिंक बनाते चले और जुड़ते चले, जब समय मिलेगा तो पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और जो जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न के भी आप जवाब देते चले चले। अगला है, बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के पीछे खिलजी ने प्रयास किए, उसमें कृषि को उन्नत किया गया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया गया, इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई, शासक को जनमानस से दूर किया गया। कौन सा पॉइंट आपको करेक्ट लग रहा है? ठीक, तो बाजार नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास से उसे सफलता प्राप्त हुई है, सफलता याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सफलता प्राप्त हुई। कृषि उन्नत से कोई इसका रिलेशन नहीं था, सामंती दरबारियों से कोई रिलेशन नहीं था, ना जनमानस से, सैनिकों से संबंध था ये आप बोल सकते हैं। चलिए अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीडीएस सिस्टम जैसे होता था, पीडीएस सिस्टम, ये पीडीएस सिस्टम क्या है, बाजार को, बाजार में जो मार्केट वैल्यू है किसी प्राइस खाने पीने की चीजों की, कपड़ों की चीजें अगर हाई हो गई है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता था, और उसी से संबंधित क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने यह कार्य किया था। ठीक, यहां देखिए चार ऑप्शन, मुझे नहीं लगता कोई छात्र ना बता सके, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे इसका आंसर, इतनी सारी चीजें बता चुका हूं अभी तक। ठीक, चलिए जहां तक मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आपने आंसर दे दिया होगा, और जिन छात्रों आंसर करेक्ट है उनका नाम नहीं लेकर हम शनिवार को उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जितने भी छात्र सही आंसर देंगे, ठीक है, उनका नाम लिया जाएगा, याद रखिए शनिवार को लाइव मिलेंगे हम लोग, और जिनसे नहीं बना उनके लिए यह क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जाएगा और डाउट भी बताए जाएंगे। ठीक, डाउट क्लास याद रखिएगा शनिवार को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? सुल्तान, ठीक, देखिए अब खिलजी वंश समाप्त होने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी बड़ा राजा नहीं हुआ इस वंश में। खिलजी के बाद अगला जो वंश है वह है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो पहला राजा बना वह था गाजी मलिक, गाजी मलिक, गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मतलब हम लोग खिलजी के बाद अब अगला वंश पढ़ने वाले हैं, और वो वंश है तुगलक वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहूं कि दिल्ली सल्तनत में तीन ही वंश आपको पढ़ने होते हैं, एक गुलाम, एक खिलजी
और एक तीसरा तुगलक वंश। ये तीन वंश अगर पढ़ लिए ना तो सैयद और लोधी में कुछ नहीं है। सैयद और लोधी जो है ना डिक्लाइनिंग पीरियड है, पतन का काल है, वो वहां पे कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यही तुगलक है जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक, तुगलक वंश 30-20 से 14-14 तक, डन 1414 तक तुगलक वंश, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तुगलक वंश में जो सबसे पहला राजा होगा उसका है नाम गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जो है उस समय अगर हम बात करें इसे किस बात के लिए याद रखा जाएगा, ज्यादा इसके समय में कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं हुई परंतु इसके कार्यों को देखते हुए इसे इतिहास में याद किया जाता है। इसने सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसने नहरों की व्यवस्था करवाई, कैनाल्स बनाए, और कैनाल्स इसलिए बनाए ताकि सिंचाई अच्छी हो, और सिंचाई से क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा, और किसानों का उत्पादन अगर अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो किसान या फार्मर ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे राजा को, और राजा क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आया? इसलिए पहली बार एक ऐसा शासक जिसने नहरों की व्यवस्था की सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए नहरों का या कैनाल का एक पूरा सिस्टम बनाया, कैनाल सिस्टम बनाया। क्लियर है? ठीक, इसी गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब समझना, गयासुद्दीन तुगलक जो है एक बार बंगाल अभियान में जाता है, और बंगाल अभियान में जाने से पहले यह अपने क्षेत्र में हर जितने भी दरगाह थे, मजार थी, मस्जिदें थी, और जितने भी सूफी संत रहा करते थे इस क्षेत्र में, उन सब के क्षेत्रों में इसने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। यानी बोलने का मतलब यह है कि धार्मिक क्षेत्रों में इसने कर लगाना शुरू कर दिया। होता यह है कि निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रहा करते थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, उनके समय में जब उनके क्षेत्र में कर लगाया गया तो उनको बात ये रास नहीं है, और कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में थोड़ी एक टकराव बनी रही, जिसमें निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही, दिल्ली दूर है। यह बात किसी ने कही? निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली में आपको इनकी दरगाह मिल जाएगी, निजामुद्दीन, ट्रेन भी जाती है हजरत निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा? दिल्ली दूर है हुजूर, दिल्ली दूर है। अब समझिए इस बात को, ये गया हुआ है कहां तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बंगाल अभियान में, बंगाल अभियान से वापस आना है, और बंगाल अभियान से वापस आते समय इसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल जौना खां या मोहम्मद उन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने एक लकड़ी का महल बनवाया, और लकड़ी के महल में यह गयासुद्दीन तुगलक रुका था, क्योंकि यह बंगाल विजय कर आ रहा है, तो यहां जनता ने उस समय जश्न मनाया,
और इस महल के सामने बहुत सारे आयोजन हुए। कहा जाता है उन्हीं सी आयोजन में हाथियों का एक दल जब वहां से गुजरा तो हाथियों के पैरों के कंपन से, वाइब्रेशन से वो लकड़ी का महल गिर गया और गिरने से ग्यासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। समझ रहे चीजों को? अब यहां से लिंक कीजिए आप, निजामुद्दीन औलिया ने इसे क्या कहा, हुजूर दिल्ली दूर है, मतलब एक सूफी संत की बात उसे लग गई और ये कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाया। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी किसी को ताना मारना हो या किसी राजनेता को विशेष रूप से, तो कहा जाता है उसके लिए दिल्ली दूर है, दिल्ली की सत्ता दूर है, दिल्ली दूर है, ये वर्ड यूज किया जाता है। और ये लाइन कही गई थी निजामुद्दीन औलिया को, अलियों के द्वारा, और किसे कही गई थी, गयासुद्दीन तुगलक को कही गई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो बहुत थोड़े समय के लिए आया था कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक की भी क्या हो गई, जल्द ही मृत्यु हो गई। क्लियर? चलो, गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला जो राजा बना तुगलक वंश का वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला राजा कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक नाम से जाना जाता था, यह जाना जाता था जौना खां के नाम से, जौना खां। कहा तो यह भी जाता है वो लकड़ी का महल बनाने की प्लानिंग इसी की थी, इसी ने मरवाया था गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक। चलिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन में आता है तो शासन में आने के बाद इसके जो कार्य हैं इसकी सोच के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। यह पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखता था और बोलना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा योग्य शासक के रूप में नजर आया। परंतु इसके जो कार्य थे वो धरातल पर उल्टे पड़ते गए, उल्टे होते गए, ठीक। और उल्टे होने के कारण यह आगे चलकर एक पागल बादशाह के रूप में भी जाना जाने लगा। अब आप बोलेंगे, सर अभी आप बता रहे हैं योग्य शासक है, एक अच्छा शासक है, पढ़ने लिखने में भी सही था, पुस्तक पढ़ने में और इसकी जानकारी और नॉलेज भी अच्छी थी, तो इसे पागल बादशाह क्यों कहा गया? तो उसी पागल बादशाह कहलाने की कहानी के पीछे को हम लोग समझते हैं, क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा गया और क्यों किसी भी पागल को हम तुगलक कहते हैं, तुगलक। क्लियर है? कभी आपने देखा होगा जॉली एलएलबी, कुछ बच्चे होंगे जॉली एलएलबी देखे होंगे, उसमें वकील के द्वारा जज को तुगलक बोल दिया जाता है और बिल्कुल तुगलक नाम अगर आप उत्तर प्रदेश लखनऊ के क्षेत्र में बोल दिए तो वहां वालों को तो इतिहास एकदम तगड़ा है, तुरंत आपको ऐसी तैसी कर देंगे, आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। वैसी हुआ, जज भड़क गया था तुगलक बोलने पे, यानी तुगलक मतलब क्या, पागल। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तुगलक का अर्थ पागलपना क्यों कहलाया, तो वो जानेंगे हम लोग इसी राजा के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो समझते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे आदेशों को जो इसने सोचा सही परंतु हुआ गलत, आदेशों का जो परिणाम आया वो बहुत ही गलत है, ठीक, जिसे बाद में चलकर आगे चलकर इतिहासकारों ने एनालिसिस किया और बोला कि राजा की योग्य ये नहीं था, ठीक। चलिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला काम क्या किया, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या कर रही है, कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। डन, समझिए बात को, ये हो गई आपकी दिल्ली और ये महाराष्ट्र में हो गया
दौलताबाद, ये महाराष्ट्र का दौलताबाद, ये हो गई दिल्ली। सोचा इस रहे था कि दिल्ली जो है सुरक्षित नहीं है, मंगोलों का आक्रमण बार बार हो रहा है, इस कारण से दिल्ली सुरक्षित नहीं, तो क्यों ना हम राजधानी को दक्षिण की ओर ले जाए, और दक्षिण में कहा दौलताबाद में ले जाए। सोचा इसे सही, देखो सोच अच्छी है, सोच सही रहा है, परंतु होता क्या है कि जब यह अपनी सेना को, अपनी आम जनता को बोलता है कि हमें दौलताबाद जाना है, तो कुछ मंत्री, कुछ सेना दौलताबाद जाती तो है, परंतु वहां जाने के बाद भीषण गर्मी और पानी की कमी से उन्हें जूझना पड़ता, जिस कारण से दिल्ली की जनता बगावत कर देती है और दौलताबाद में भी रह रहे लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है, और अंततः इसे अपनी राजधानी ट्रांसफर करना, परिवर्तित करने का जो इसने निर्णय लिया था उसे वापस लेना पड़ता है। तो इसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफर किया, जो आप अंततः इसे क्या करना पड़ा, मना करना पड़ा, है ना भाई, कि हम वहां दौलताबाद में सेटल नहीं हो पाएंगे, वापस आना पड़ेगा। ठीक, तो सोचा सही बट फैसला परिणाम के रूप में गलत आया। चलिए अगला जो है, दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाना चाहा। टोकन करेंसी, अब समझते हैं कि टोकन करेंसी क्या है। देखिए यहां पर भी सोच अच्छी है, सोच सही है भाई इसकी, है ना, कोई ऐसी नीचे लिखना मत, चालू कर दो कमेंट सेक्शन, ऐसा पागल बादशाह कौन लोग क्यों पढ़ रहे भाई, सोच अच्छी है, जरूरी नहीं है, है ना, कि ये हर चीज गलत हो, सोच अच्छी है। देखिए क्या सोचता है, होता यह है कि अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में जो चांदी है, सिल्वर, उसकी कमी हो जाती है, और यह जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को होती है, और मोहम्मद बिन तुगलक को पता था जो हम चांदी के सिक्के या सिल्वर कॉइन से जो बनाते हैं वह आगे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चांदी कमी हो रही है, और चांदी अगर मान लो खत्म हो गए और कभी हमें मिलना बंद हो गए तो हम ये चांदी के सिक्के कैसे बनाएंगे। समझ रहे हैं चीजों को आप, हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के आदेशों को, और क्यों पढ़ रहे हैं वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो यहां पर यह होता है कि उसके द्वारा चांदी के स्थान पर सिल्वर के स्थान पर इसने कॉपर या तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया, कॉपर या तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया। यहां तक भी चीजें ठीक है, परंतु आप देखिए इसने 10 ग्राम चांदी की वैल्यू 10 ग्राम कॉपर के बराबर कर दी थी, मतलब इसने चांदी का रेट घटा दिया, चांदी की वैल्यू के बराबर इसने कॉपर को ला दिया। अब होगा क्या, कॉपर को हम देखें राजस्थान के क्षेत्र में जाइए, खेतड़ी में तांबे के पूरे खदाने हैं, यानी हमारे भारत में तांबे की कमी नहीं है, और तांबे कमी ना होने के कारण लोगों के द्वारा नकली सिक्के बनाए जाने लगे, लोग घरों घर अपने यहां आरबीआई बैंक खोल लिए, हर किसी के यहां टकसाल, हर बच्चा सिक्के बना के मार्केट में चलाने लगा, और होता यह है कि इसके कारण इसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और अंततः यह जो टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा, सिंबॉलिक करेंसी जो चलाने का इसने प्रयास किया, ये फैसला भी क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक, समझ में आ रही चीजें, है ना, सोचा सही था बट चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, अगला हम देखते हैं एक अभियान जिसे है कहा जाता है खुरासन
खुरासान अभियान, जिसे कहा जाता है खुरासान अभियान। अब खुरासान अभियान में क्या होता है? खुरासान एक क्षेत्र होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास एक क्षेत्र होता है। उस खुरासान के क्षेत्र को जीतने के लिए इसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और सेना को इसने साल भर खिलाया पिलाया, सैलरी दी, वेतन दिया। और वेतन देने के पश्चात जिस दिन इसने डिसाइड किया था कि हम आक्रमण करेंगे और खुरासान को जीतेंगे, उस समय पता चला कि खुरासान के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजा घोषित कर दिया गया है और वहां पर खुरासान में अब जीत पाना नामुमकिन है। और जैसी जानकारी या जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को मिली तो उसने अपना निर्णय वापस ले लिया। निर्णय वापस लेना पड़ गया इसको। अब समझिए, साल भर इसने सैलरी दी है, तैयार किया है पूरे सैनिकों को और बोला है हम लोग को अटैक करना है, आक्रमण करना है, आप लोग तैयार हो, सैनिक भी तैयार थे, ठीक आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि खुरासान अभी कमजोर था जब तक ये लोग प्लानिंग किए थे, परंतु जिस समय आक्रमण करने की पूरी तैयारी होकर ये लोग पूरी तैयार थे, आगे बढ़ ही रहे थे, तभी जानकारी क्या मिली कि खुरासान में राजा घोषित कर दिया गया। इसके पहले राजा वहां नहीं था, अव्यवस्था था, डिस्टर्बेंस फैला हुआ था और इसी मौके का फायदा ये लोग उठाना चाहते थे, परंतु ये मौके का फायदा नहीं उठा पाए। और यहां पर जो साल भर इसने सेना को वेतन दिया, सैलरी दिया, इसके कारण इसे भयंकर नुकसान हुआ। ठीक, तो ये है खुरासान अभियान, ये भी क्या रहा, असफल रहा। चौथा कहा जाता है एक अभियान और इसने किया था, कराचिल, कराचिल अभियान। और कराचिल की अगर मैं बात करूं तो कराचिल पड़ेगा कुमायूं में, कुमायूं की पहाड़ियों में, कुमायूं की पहाड़ियों में। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि ये प्लानिंग, इसकी एक और प्लानिंग होती है कि हमको कराचिल का क्षेत्र जीतना है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होता है कराचिल, यहां इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। अच्छी बात है भाई, इसने अटैक किया, अभियान करना था, कर लिया, कराचिल के क्षेत्र में आक्रमण करके कराचिल को जीत जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं जीतता, परंतु आप समझिए इसके जो सैनिक थे इन्होंने कभी पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई नहीं की थी और जितनी भी लड़ाइयां इन्होंने की थी मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में लड़ाई करने के कारण जब ये पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं, है ना, करीबन मान लो 10,000 की इनको सेना गई थी, 10,000 की सेना, तो 10,000 जो सैनिक गए थे कराची को जीतने के लिए, उस पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते आधे खत्म हो गए और कुछ सैनिक उस पहाड़ी की लड़ाई में मारे गए। और कहा जाता है उस 10,000 में केवल 10 लोग वापस आए थे राजा को सूचना देने कि हम जीत गए हैं, परंतु इतने सैनिक वहां पर लापता हो गए और बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, मारे गए। ठीक, तो इस चीज को अगर आप देखें, भले उन्होंने एक क्षेत्र को जीता है बट कराचिल क्षेत्र में एक्चुअल में उनकी हार हुई क्योंकि इनके सैनिक जीवित नहीं बचे हैं। ठीक, तो ये वाला भी इनका जो फैसला था कराचिल को जीतने का, ये क्या रहा, असफल। अच्छा, आप दोनों चीजों को समझ लीजिए एक बार, खुरासान और कराचिल को जीतने के पीछे एक उनकी मंशा थी, वह मंशा इस प्रकार से थी ताकि इन दोनों को क्षेत्र को जीतकर मैं दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर लूं, दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर लूं। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, कराचिल पर भी अटैक करना चाहा और खुरासान पर भी अटैक करना चाहा। ठीक, अब लास्ट और अंतिम इसका फैसला और डिसीजन, इसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक, अभी आप पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान से समझिए। ठीक है, तुगलक वंश का दूसरा शासक, पहला शासक पढ़ लिया गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब कुछ छात्र बोलेंगे भूल गए होंगे पढ़ते पढ़ते, मैं अभी कंटिन्यू इतना लंबा क्लास चल रहा है। ठीक है, लगे रहते हैं बच्चे, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, भूल जाते हैं। तो बता देना चाहूं, तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है, पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा हम लोग तुगलक देख रहे हैं। तुगलक के बाद सैयद और लोदी, और लोदी के बाद समाप्त दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दूर है क्या, अभी दूर है, अभी हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और चीजों को खत्म कर लेंगे, कोई बात है। ठीक, चल, तो अगला अभियान होगा, अगला अभियान, अच्छा अगला अभियान नहीं है भाई, अगला अभियान नहीं, सॉरी,
अगला अभियानी, अगला है दोआप कर में वृद्धि टैक्स, दोआप कर में वृद्धि इंक्रीज होगा, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, दोआप कर में वृद्धि, समझिए बातों को। अब होता यह है, अगर मैं दोआब की अगर बात करूं तो यह मान लो बात कोई नदी है और नदियों के बीच वाला क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं दोआब, उसे कहते हैं दोआब। इस दोआब क्षेत्र में हम देखें तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जिस बात की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर इस कृषि व्यवस्था में एग्रीकल्चर की व्यवस्था जो सिस्टम थी उसे बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने के पश्चात इसने सोचा क्यों ना हम ये दोआब के जितने भी एरिया हैं क्षेत्र हैं उसमें कर की वृद्धि कर दे, जितना टैक्स लिया जा रहा है उसे बढ़ा दिया जाए। परंतु अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत ही ऐसी थी, इतनी बेकार किस्मत, भगवान किसी को मत दे, बता रहा हूं बहुत बेकार किस्मत है, देखना अभी क्या। जिस समय भी जाकर सोचा कि मैं दोआब में टैक्स बढ़ाऊंगा, दोआब में कर बढ़ाऊंगा, कर बढ़ाने से पहले बहुत मेहनत भी किया था ना यहां पर, ऐसा नहीं कि ऐसी टैक्स बढ़ा रहा, ठीक है, बहुत सारी मेहनत किया था, ठीक। तो यहां पर जब वो सोचा कि इस दोआब के स्थान पर मैं टैक्स को बढ़ाऊं, इस क्षेत्र में टैक्स को बढ़ाऊं, उसी साल पड़ गया भयंकर सूखा अकाल, ठीक। और अकाल और सूखा पड़ने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा राजा के कर वृद्धि का विरोध किया गया, और विरोध में उस समय सेना भी शामिल हो गई, और उन्होंने बोल दिया कि हम कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, राजा को कोई टैक्स नहीं पटाएंगे, इस प्रकार की बात कही। और जब यह बात आई राजा के सामने तो राजा ने यह जो फैसला उसने लिया था कि दोआब में हम टैक्स बढ़ाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, तो यह फैसला भी उसे वापस लेना पड़ा, यानी दोआब कर में वृद्धि का जो डिसीजन था वह भी असफल रहा, ठीक। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी छात्र एक्टिव हैं, और अगर आप चाहें तो बाद में भी आंसर दे सकते हैं, कि इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था, उस कृषि विभाग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कृषि विभाग या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या है, यह आपको बता रहे, ठीक। चलिए तो देखिए, यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पांच आदेश दिए थे और पांचों पांचों फेल। पहला कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी परिवर्तन किया इसने। दूसरा क्या किया इसने, राजधानी परिवर्तन करने के पश्चात इसने किया क्या, सांकेतिक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा के बाद कराची अभियान किया, खुरासन अभियान किया, यह भी असफल, और अंतिम इसने दोआब कर में वृद्धि भी की, यह भी असफल रहा। इन्हीं सब चीजों को देखकर, इसे एल्फिस्टन नाम के अंग्रेज ने पागल बादशाह कहा। नोट कर लेंगे कॉपी में, एल्फिस्टन ने क्या कहा, एक अंग्रेज है एल्फिस्टन, चलिए लिख देते हैं भाई, है ना, कुछ लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में सर नहीं लिखे करके, तो ये लोग लिख देते हैं, एल्फिस्टन ने पागल बादशाह कहा, पागल बादशाह। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक लाइन कही, बहुत बेहतरीन लाइन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन लाइन, जनता को या जनता की जगह हम लिख लेते हैं राजा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्लियर है,
क्योंकि यहां राजा भी परेशान हो गया, उसकी रहने वाली जनता भी परेशान हो गई, सब परेशान हो गए, आप भी लगता है परेशान हो गए होंगे। बट अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा भी आप जुड़े रहें, बने रहें, थोड़ा दूर और चलना है, थोड़ा सा और साथ दीजिए, खत्म कर देते हैं दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली पहुंच जाइएगा, घूम लीजिएगा कुतुब मीनार, फिर चले जाइएगा लाल किला, जामा मस्जिद, सब घूम लीजिएगा। पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं, बिल्कुल आप जैसा साथ बनाए रखे हैं वैसा ही साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका एक एक समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म में आए हैं, जिसमें हमारी हमेशा से कोशिश रही है, हमारे सभी शिक्षक जहां से भी हैं, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो और राजनांदगांव हो, हमारे सभी शिक्षकों का प्रयास रहता है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, जिसमें हम ऑनलाइन माध्यम का तो उपयोग करते ही, ऑफलाइन का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से अभी जो हम टॉप एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में हमारा यही प्रयास है कि आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाए और संपूर्ण सिलेबस में आपकी तैयारी पूरी हो, ताकि आपका सीजीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, उस परीक्षा में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करें, ठीक है। खत्म नहीं हुआ है, बचा है, ठीक है। कई लोग धन्यवाद लिख के अभी चल देंगे, बचा है, जुड़े रहें थोड़ा थोड़ा। आपको जैसे मैं इधर उधर बातचीत करता हूं, थोड़ा बहुत आप पानी वानी पी के आ जाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको गैप रेस्ट करने का मौका दिया जाता है, रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पढ़ाई अपनी जारी रखिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक को इस प्रकार के कुछ कमेंट मिले। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक यात्री आया था मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता, ठीक है, गाना सुना ही होंगे ना, इब्न बतूता बगल में जूता, क्लियर है। ये इब्न बतूता जो आया था अफ्रीका से आया था, अफ्रीका के मोरक्को से, मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे कॉपी में, यहां से पूछा जाएगा आपको, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला, 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 ठीक। इब्न बतूता जो है यहां पर इसके काल में जब आया, तो इसी ने ही बहुत सारी जानकारी दी, इसके जो आदेश दे, इसके कुछ गलत आदेश, और इसने क्या सोच के ऐसा किया, ये सब चीजों को इसने बताया हमने पुस्तक में, रहला नाम की पुस्तक, ठीक। इतनी चीजें क्लियर है। इसी के टाइम में एक और पॉइंट ध्यान रखिए, इसी के टाइम में, इब्न बतूता के टाइम पीरियड में ही हरिहर व बुक्का ने, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, एस्टैब्लिश किया। यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? इसी के काल में हरिहर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की, इसी के टाइम पर, ठीक। अब आप क्या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? जैसे मैं बार बार आपको चीजें पूछते रहूंगा, ये मेरी आदत है, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में, आप बताएंगे कि किस वर्ष में विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसको आप बताएंगे, ठीक। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के बाद या मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो शासक हमें देखने मिलेगा वह है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा समय टाइम पीरियड लिया आएगा, फिरोज शाह तुगलक, तो जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिर हम लोग प्रश्न में आएंगे भाई, है ना, बहुत टाइम से अभी प्रश्न नहीं किए क्योंकि ये थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तुगलक को हम लोग देख लेते हैं। तुगलक के बाद सैयद और लोधी में मैंने जैसे बताया बहुत ही कम चीजें हैं, उसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बचा है, जुड़े रहेंगे, फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा बचा है, जुड़े रहें, शांति बनाए रखें, है ना। ठीक, चलिए यहां देखिए, फिरोज शाह तुगलक को हम सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, इनके कार्यों से आप समझेंगे, क्यों कहते हैं इनके कार्यों से आप समझेंगे। ठीक, इसने अपने समय में कुछ शहरों का निर्माण किया, शहरों का। ठीक, इसने अपने समय में कुछ शहरों का निर्माण किया जिसमें पहला है जौनपुर, जौना खां के नाम पर जौनपुर। ठीक, ये जौनपुर कहां पड़ेगा आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, है ना। मुझे पता है, मैं भी आपके कमेंट पढ़ते रहता हूं जब ये लाइव चलती रहती है, मैं भी आपको ऑब्जर्व करता हूं। अब मुझे पता है कि कौन कौन से छात्र एक्टिव हैं, और जो छात्र एक्टिव नहीं भी हैं या कमेंट नहीं भी कर रहे वो भी खुद से आंसर देने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है आप कमेंट में आंसर दें, आप अपने तरफ से भी सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए तुम जौनपुर कहां पड़ेगा इसे बताते जाइए। ठीक, जौनपुर के अलावा हिसार इसने बसाया था, हिसार कहां पड़ेगा बताइए। इसके अलावा फतेहाबाद के अलावा फिरोजाबाद और एक है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। ऐसे कुछ शहरों का इसने निर्माण किया, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, ये शहरों का निर्माण किया। करने वाला कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब देखिए मैं ये चीजें बता रहा हूं इसलिए क्योंकि सल्तनत कालीन अकबर बोल रहे हैं, अकबर की तरह इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगला काम इसने क्या किया था, याद होगा जब मैंने अशोक पढ़ाया था, अशोक और अशोक के रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, इनके बारे में जब बताया था मैं आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को दिल्ली स्थानांतरित करने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक। इसके अलावा इसी फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण किया था, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार या पांचवी मंजिल का निर्माण किया, क्लियर है, रेनोवेशन, जीर्णोद्धार किया। समझते जाइए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट कॉइन, इसने कुछ कर लगाए थे अपने समय में, कर, टैक्स। ठीक, चलिए आप बताइए कि सबसे पहले जब हम लोग मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर रहे थे, मध्यकालीन भारत जब स्टार्ट हुआ या पूर्व मध्यकाल के समय, जजिया कर किसने लगाया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जजिया कर किसने लगाया। ठीक, अब यहां पर देखिए, ठीक, पहली बार किसने लगाया वो आप बताएंगे, ये जजिया कर अभी दूसरी बार लग रहा है। ठीक, जजिया कर, तो इसने जजिया कर लगाया, और जजिया कर जो है विशेष रूप से ब्राह्मणों पर पूछता है। ये गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, परंतु विशेष रूप से अभी जो है फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से वसूल रहे। और मैंने उस समय बताया था जब पहली बार जजिया कर लगा था तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग, साथ ही साथ ब्राह्मण,
इनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ब्राह्मण से भी टैक्स नहीं वसूलते थे, यानी जजिया कर नहीं वसूला जाता, परंतु अब जजिया कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक टैक्स होता था जकात, जो मुसलमानों से वसूला जाता था, मुसलमानों से, एक तरह का धार्मिक कर आप मान सकते हैं, ठीक है, जो मुसलमानों से वसूला जाता था, ठीक। इसके अलावा एक कर होता था खुम्स, खुम्स भी एक कर होता था। खुम्स कहा जाता है कि लूट, जो इसके सैनिक जब लूटपाट करते थे तो लूटपाट का कुछ हिस्सा, सम पार्ट्स ऑफ, जो हिस्सा है वह ये राजा को दिया करते थे, जिसे खुम्स कहते थे, खुम्स, क्लियर है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स है जो उस समय ये वसूलता था। इसके अलावा एक और है जिसको आप बताइए कि खराज क्या होता था, खराज आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है बहुत सारे मेरे साथ होनहार छात्र जुड़े रहते हैं, जो पढ़े हैं रिविजन के लिए हमारे साथ लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो छात्र जवाब दे, जवाब दे, ठीक, ताकि हमारे प्रश्नों की और जवाब की शैली बने रहे। तो आप बताएं खराज क्या है, ठीक। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर जितने इंपॉर्टेंट कर हो सकते हैं, चार प्रमुख कर इस्लाम में जो कहे गए थे उसे ही इसने लगाए थे। बाकी कहा था इसने कि जितने भी छोटे मोटे कर हैं, छोटे मोटे कर, उसको इसने क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, ठीक। चलिए, इसके अलावा इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान बनाया, दीवान ए बंदगान, और गरीबों के लिए दीवान ए खैरात बनाया, दीवान ए खैरात, और गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया, उसे हम कहेंगे दार उल सफा, दार उल सफा, ठीक, दार उल सफा अस्पताल, दार उल सफा क्या है, एक अस्पताल। ऐसे अच्छे कार्य करने के कारण ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इतने सारे जो कार्य हैं, ऐसे कार्य मुगल शासक अकबर ने किए थे, और मुगल से कंपेयर करते हुए फिरोज शाह तुगलक को हम सल्तनत कालीन अकबर कह रहे हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित इतने बातें आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब तुगलक वंश के बाद मैंने जैसे बोला, तुगलक जब आखिरी आ रहे थे, आखिरी इनका जब समय चल रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आपको नहीं देखे मिले, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक आपको नहीं दिखेगा जो दिल्ली को संभाल पाए। और जब भी सत्ता कमजोर हुई है, विदेशियों का आक्रमण हुआ है, और विदेशियों के आक्रमण में उस समय मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, मंगोल पहले भी गुलाम के टाइम में, गुलाम वंश के टाइम में आक्रमण कर रहे थे, खिलजियों के टाइम में भी आक्रमण हुए, परंतु अब और ही खूंखार लोग आने वाले हैं, और अब आक्रमण होगा तैमूर लंग का, और इस तैमूर लंग के आक्रमण से पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी, पूरी दिल्ली को यह तबाह कर देगा। कहा जाता है कि बस जब यह अटैक किया, आक्रमण किया, करीबन 20-25 दिन तक इसने पूरा लोगों को नरसंहार किया, किसी को नहीं छोड़ा, हर घर में महिलाओं को मारने का काम किया, बच्चों को मारने का काम किया, बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने, ठीक। तो इतना खतरनाक शासक था। तो याद रखिएगा, तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण वर्ष 1398 में दिल्ली पर हुआ, 1398 में हुआ, ठीक, तैमूर लंग का आक्रमण, जिसके बाद तुगलक वंश समाप्ति की ओर चला गया, और 1414 तक तुगलक पूरे के पूरे समाप्त हो गए, ठीक। देखिए, ये तैमूर में जो तैमूर है, इसका भी एक मीनिंग है नाम का, तैमूर बना है तिमूर से, बता देता हूं मैं आपको, तैमूर बना है तिमूर से, और तिमूर मतलब होता है लोहा, और साथ ही साथ ये जो लंग आप देख रहे हैं, लंग लंग, इसका अर्थ होता है लंगड़ा, और ये तैमूर क्या था,
एक बार युद्ध में लंगड़ा हो गया था, पैर टूट गया था मतलब इसका, और पैर टूटने कारण तैमूर लंग इसका नाम पड़ा, तैमूर लंग इसका नाम पड़ा पैर टूटने कारण, तब से तैमूर लंग के नाम से जाना जाता था। ठीक, क्या आप एक और प्रश्न का जवाब देंगे? ठीक है, मैं पूछूंगा, ये मेरा आदत है थोड़ा, मैंने आपको बताया कि मैं प्रश्न पूछते रहता हूं, क्लास में भी मेरी यह आदत है कि प्रश्न पूछता हूं ताकि बच्चे थोड़ा एक्टिव रहें और जवाब देते रहे। ठीक, तो यहां आप बताइए, तैमूर और मंगोलों का एक वंशज होगा, उसका नाम क्या है? ठीक है, बहुत सारे छात्र गैस कर लिए होंगे, और जो गैस नहीं कर पा रहे हैं उनको यहां पर किसी प्रकार का मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जिनको नहीं पता है उनको ही तो पढ़ाया जा रहा है, और जिनको पता है वो जवाब दे रहे, दोनों चीजें। ठीक है, नहीं पता है वो साथ साथ तैयारी करें, आपकी भी जो इतिहास की तैयारी है वो बेस्ट हो जाएगी, और इतिहास सब्जेक्ट को आप ये नहीं कि सीजीपीएससी के अलावा कोई भी परीक्षा आप देते होंगे, वहां जहां भी इतिहास आपको पढ़ना होता होगा वो चीज अब आज के बाद आसान हो जाएगी, आप आसानी से परीक्षा में हर आंसर दे पाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, यहां तक हम पहुंच गए, तुगलक वंश को समाप्त कर दिया हमने, तुगलक वंश खत्म हो गया। तुगलक वंश के बाद जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग ने सत्ता खिजर खां को सौंप दी, और खिजर खां ने एक वंश की स्थापना की जो बहुत छोटे समय तक रहा, वह वंश था सैयद वंश। क्लियर है, सैयद वंश, और सैयद वंश जो है यह रहेगा 1451 तक सैयद वंश रहेगा। ठीक, क्लियर है, सैयद वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक को बस आपको याद रखना है, इसके अलावा आप कुछ याद ना रखें तब भी चल जाएगा, संस्थापक जिसने इस स्थापना की उसका नाम था खिजर खां। यह है फाउंडर, संस्थापक, इसी को बस याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अंतिम राजा का भी नाम याद रखिए, अलाउद्दीन मसूद असर, लास्ट रूलर, लास्ट रूलर, बस अंतिम सर, इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको नहीं पूछा जाएगा सैयद वंश के बारे में। ठीक है, सैयद के बाद अंतिम लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी चलेगा आपका 1451 से 1526, दिस इज द लास्ट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, यह है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, लोदी डायनेस्टी। ठीक है कि नहीं, लोदी डायनेस्टी। चलिए तो थोड़ा क्वेश्चन कुछ देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया हमने। तो यहां पर बताइए, कृषि को उन्नत करने के लिए, यहां पर कर लेंगे क्या आप इसे उन्नत, कृषि को उन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में किसने बहुत अच्छा कार्य किया, एक अच्छे शासक होने का श्रेय भी दिया। जहां तक मुझे लगता है आप सभी आंसर दे देंगे। ठीक, इतनी सारी चीजें आप पढ़ ली हैं, तो कोई भी छात्र जो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर देना पाए, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने बताया था, यह वैसा शासक है जिसने नहरों को बनाया और कृषि को बढ़ावा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान शासक खगोल शास्त्री गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में पारंगत था, कौन है भाई? इतना पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड है ना, हिंट करूं, और पागल भी था, समझ रहे हो, इतना पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत है। ठीक है, आप लोग भी जैसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूं, कभी भी अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई चीजें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा 10-10 मिनट का गैप दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक घंटा कंटिन्यू पढ़ा, एक घंटा कंटिन्यू पढ़ने के बाद, लगातार पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक अपने आप को दे सकते हैं।
10 मिनट ब्रेक देकर, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाना चालू करें। मोबाइल चला रहे मतलब अपने दिमाग को आप बिजी रख रहे हैं। आप थोड़ा 10 मिनट जब भी ब्रेक देते हैं अपने आप को, तो 10 मिनट ब्रेक देकर आप थोड़ी आंख अपनी बंद कर लें, ध्यान लगाएं, थोड़ा सा शांत करें दिमाग को। उसके बाद दिमाग क्या है, थोड़ा फिर एक्टिव होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश करने के बाद चीजों को आप फिर से पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, ऐसा ब्रेक कर करके, थोड़ा सा ब्रेक करके आप चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से याद होती हैं, वरना लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं ना तो देखिए एक टाइम बाद वो बर्डन लगता है, और बर्डन लगना नहीं चाहिए। आपको क्या है, इंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और आप क्या कर रहे हैं कि सर खत्म हो जाए, जॉब लग जाए उसके बाद खत्म हो जाए। नहीं होगा रे भैया वैसे। ठीक है, जॉब लगेगा तब भी आप कुछ ना कुछ नई नई चीजें करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठा आप करते रहेंगे, और जानकारी जो इकट्ठा होगी पुस्तकों के माध्यम से ही होगी। ठीक है, तो एक बार जो आपने अभी जो एक पद्धति एक सिस्टम आप अगर बना लिए तो हमेशा ये आपके लिए मददगार रहेगी। ठीक, समझ रहे बिंदुओं को, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम लोग हैं। ठीक है, साथ बनाए रखिए, फिर हम लोग चीजों को खत्म कर लेंगे। ठीक, और आपका दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाएगा, फिर कल से हम लोग मुगल चालू कर लेंगे, मुगल डायनेस्टी देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे पड़ाव पर हम लोग हैं, चाहूंगा आप लोग अभी साथ बना रहे और हम लोग चीजों को करते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो मैंने बताया कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान कौन था और पागल भी था, वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए एक और बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों से व्यापार करने में अभिवृद्धि करने के लिए स्वर्ण मुद्राओं की टोकन मुद्रा जारी करना। ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा, ध्यान से पढ़िए यहां पर और जवाब देने का प्रयास कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, उसके बाद हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे। लोधी वंश हमें और जानना है, लोधी वंश के बाद चीजें समाप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और सभी छात्र इसमें जवाब देंगे। ठीक है, सभी छात्र इसका जवाब देंगे, क्लियर है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए। कथन ए में जो कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने एक स्वर्ण सिक्का चलाया था जिसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया, परंतु अगला लाइन जब पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार की अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता। स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा नहीं बनाया था इसने, कॉपर का बनाया था, कॉपर का, तांबे का। इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है, ये कारण जो है आपका गलत है, कथन ए सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलिए इब्न बतूता कहां का निवासी था, फारस, मोरक्को, मिस्र, सब बता दिया हूं मैं आपको। ठीक है, सब बता दिया हूं, चीजों को देखिए तो यहां पर होगा मोरक्को, मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री है। ठीक, अगला है, किसने कहा कि भाई अच्छा, किसके निधन पर कहा गया कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ये वाली लाइन किसके लिए कही गई? ठीक, तो ये लाइन कही गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक ही क्या था, पागल शासक के रूप में जाना गया, और इसी को बोला गया कि प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, ठीक है, किसने उस समय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, यह पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और रोजगार दिलाया, तो ऐसा एक महान कार्य किया था सल्तनत कालीन अकबर ने। मैंने आपको बताया था सल्तनत कालीन अकबर किसको बोलेंगे, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो सल्तनत कालीन अकबर जो है यहां पर फिरोज शाह तुगलक, इसे ही तो हमने सल्तनत कालीन अकबर कहा था, जिसने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे भाई, है ना, इसलिए तो बोले थे। ठीक, अगला प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की, बलबन ने अपनी सेना को घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की,
इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दिया। कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है? ठीक बताइए जल्दी, कौन सा कथन सही है? ठीक, तो देखिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आरिज, ये आरिज जो दिख रहा है ना, दीवाने आरिज, मैंने बताया था बलबन के टाइम में दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था, इसने नहीं बनाया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा बलबन ने अपने घोड़ों को दागने की प्रथा चालू की थी, नहीं इसने नहीं की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, नहीं ये भी बात गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया जिसे दीवाने बंदगान कहा गया था, दासों के लिए, गुलामों के लिए बनाया गया, दीवाने बंदगान। ठीक, अगला है दारुल सफा क्या था भाई, दारुल सफा बताइए, दारुल सफा एक दानशाला, खयाती अस्पताल, पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह, क्या है दारुल सफा भाई? इतना सारा मैं बता दिया, सब चीजें हो गई है, तुगलक उगलक सब पढ़ लिया हो आप लोग, है ना, चाहूंगा आप लोग आंसर दीजिए। जो छात्र बिना पढ़े भी आए हैं ना वो जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, दारुल सफा क्या है? खैराती अस्पताल है, खैराती अस्पताल, दारुल सफा। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से किसने गुरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, कविताओं की रचना की? ठीक, तो यहां पर देखिए, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अब यानी कि हमको पढ़ना है किसके बारे में, लोधी के बारे में, और दिल्ली सल्तनत का समापन करना है। ठीक, तो यहां पर आंसर होगा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ही था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक, तो थोड़ा सा बचा है लोधी वंश, इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक, लोधी वंश के बारे में। अच्छा, पिछला जो था, पिछला हम क्या देख रहे थे, इसके पहले जो वंश था वह था सैयद वंश, याद आ रहा है, सैयद वंश, सैयद वंश का पहला शासक खिजर खां, और अंतिम शासक के रूप में हमें अलाउद्दीन आलम शाह देखने को मिला, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, अच्छा, कुछ छात्र कह रहे हैं कि वहां पर सर एक पॉइंट करेक्शन था, मैं वहां पर आपको कुछ चीजें बता दूं, यहां पर आप एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। हाँ, ये अलाउद्दीन मसूद शाह ना होकर ही होगा अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह कर लेना, ये अंतिम शाह सकता है। ठीक है, चलो इसे ही कंटिन्यू करते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद मैंने बताया था लोधी वंश की शुरुआत होगी 1451 से 1526। ठीक, यहां पहला शासक होगा बहलोल लोधी, पहला शासक होगा बहलोल लोधी, और ये बहलोल लोधी जो है संस्थापक था, लोधियों का संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, इसके अलावा इसने जो किया था वह कार्य है, इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहलोली सिक्के इसने चलाए थे, बहलोली सिक्के। ठीक, तो पहला शासक कौन हुआ, फाउंडर बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद अगला शासक हमें देखने को मिलेगा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी जो है इसने एक महत्वपूर्ण एक शहर की स्थापना की थी 1504 में, 1504 में इसने आगरा शहर, आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना। ठीक, साथ ही साथ इसने अपने समय में एक पैमाना, एक मेजरमेंट के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, पैमाना यानी भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए, जमीन को नापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में फिर बता सकते हैं कि गज ए सिकंदरी जो है कितने इंच का होता था, एक बार परीक्षा में आ गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे मैं क्या पूछ रहा हूं, ये गज ए सिकंदरी कितने इंच का होता था, कितना यानी कि लंबाई होती थी, मेजरमेंट कितना लिया जाता था, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक,
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है कि यही जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी, ठीक है, इसी को बोलते थे। इसने क्या किया था, गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था, क्लियर है। इसी सिकंदर लोदी ने एक मस्जिद बनाई थी जिसको कहा जाता है मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद, ठीक है, मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद, एक मस्जिद बनाई थी। कहा जाता है मोट जो होता है ये क्या होता है, एक दाल होता है, दाल, ठीक, दाल। ये मस्जिद का जो निर्माण इसने करवाया था, मोट की मस्जिद जो निर्माण हुआ था उसके पीछे एक कहानी ये मिलती है कि कहा जाता है उस समय एक क्षेत्र था जहां पर मोट के दाल को दिया गया था और उस क्षेत्र में दालों का, ये मोट की दाल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ और मोट की दाल को बेचने के पश्चात जो पैसे जो इन्हें मिले उन्हीं पैसों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया और नाम रख दिया गया मोट की मस्जिद, समझ में, ठीक। चलिए तो ये क्या हो गया आपका सिकंदर लोदी। अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा इस वंश से संबंधित, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं भाई एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक। तो यहां याद रखिएगा कि ये क्या है, एक प्रथम अफगान साम्राज्य है, ये एक प्रथम अफगान साम्राज्य है, प्रथम अफगान साम्राज्य, फर्स्ट अफगानी किंगडम। आपको पूछेगा दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में किसे प्रथम अफगान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, तो आप बताएंगे लोदी डायनेस्टी को प्रथम अफगान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। और अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश भी लोदी वंश ही है। मैं इसलिए पूछा हूं, इसलिए बताया हूं ताकि एक बार और मैं जब एक वंश के बारे में बताऊंगा तो वहां मैं पूछूंगा कि पहला अफगान साम्राज्य कौन था, तब आपको बताना होगा। इसलिए इस पॉइंट को नोट करते जाइए, जितना भी पॉइंट मैं बताता हूं हर एक पॉइंट पर एक एक प्रश्न बने हैं, एक एक प्रश्न बने हैं, ठीक। चलिए अब सिकंदर के बाद हम अंतिम पड़ाव पर हैं और इसका समापन करते हैं। अंतिम की अगर बात करें तो अब हमको एक शासक देखने मिलेगा, उसका नाम है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करें तो इसे हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का भी अंतिम शासक कहेंगे, लास्ट रूलर लोदी का भी अंतिम शासक। और इसी इब्राहिम लोदी से, इसी दिल्ली के महान शासक से एक आक्रमणकारी लड़ाई करेगा जिसका नाम है बाबर। और यही इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्लियर है कि नहीं, ठीक। इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद, पानीपत के युद्ध के पश्चात लोदी समाप्त हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी समाप्त हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाएगी और यहां पर हमारा क्लास भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसकी कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करूंगा। फिर भी जो जिन छात्रों को पता हो इसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया, ठीक है। अब युद्ध की पूरी कड़ी यहां से बनती जाएगी, युद्ध ही युद्ध आपको देखेंगे। और हम लोग अब बढ़ रहे हैं कहां, मुगलों की तरफ, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न है यहां पर, उसका जवाब आप देंगे, ये रहा प्रश्न, ठीक है, इसका जवाब आप दे देंगे। बहुत इजी प्रश्न है, इतना सारा पढ़ने के बाद जो छात्र जवाब नहीं दिया, जो छात्र जवाब नहीं दिया, ठीक, उसे यहां क्लास में कभी अगर आए तो मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। वैसे अभी कैसे कुछ पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, मजाकिया बातें हैं कुछ चीजें, ठीक है, उसे ध्यान ना दे। चलिए तो यहां पर यह आपका अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया टॉप एमसीक्यू सीरीज आपको एमसीक्यू सीरीज के साथ संपूर्ण सिलेबस कराने का वादा करता है और ये कॉम्पिटिशन कम्युनिटी चाहता है कि हमारे हर एक छात्र जो ऑनलाइन माध्यम में जुड़ा है
वह उसकी तैयारी अच्छी हो और जो अपना वो सीजीपीएससी जो लक्ष्य बनाया है उस एग्जाम को वो क्रैक करे, क्योंकि हमारे टॉप का फुल फॉर्म ही है क्या, टारगेट ऑन प्रीलिम्स, और टारगेट ऑन प्रीलिम्स को हम क्रैक करके रहेंगे। ठीक, चलिए तो अब अपना क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक, धन्यवाद।